Hi, Prabhan. How are you all doing? Am I live or not? फटाफट से मुझे बता दो यार एक बार. क्या मैं लाइव हूँ या फिर नहीं हूँ? Okay, that's great. Great, great, great. I am live. Hi, everyone. फटाफट से एक बार सेशन को लाइक कर दो. एक बार सेशन को फटाफट से लाइक करके मुझे बता दो. एक बार बता दो कि लाइव वाइव ढंग से हूं कि नहीं हूं. लाइक करके बता दो एक बार सेशन को. बाकी लोग जो भी फर्स्ट टाइम सेशन को ज्वाइन कर रहे हैं, मेक श्योर कि वो लोग टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लें. तब तक सभी लोग आते हैं, इतने एक मिनट के अंदर, दो मिनट के अंदर आते हैं सभी लोग. तब तक आप लोग फटाफट से जाके टेलीग्राम के ऊपर जितनी भी पीडीएफ्स होती हैं, जितने भी सेशंस हम लोग के होते हैं, सभी सेशंस की पीडीएफ, ईच एंड एवरीथिंग, हर जगह आप लोगों को हर चीज़ जो है वो आप लोगों को टेलीग्राम के ऊपर भेजी जाती है. तो प्लीज़ मेक श्योर टू ज्वाइन द टेलीग्राम. राइट, रक्षिता सिंह आप लोग लिखेंगे जैसे ही तो आपको टेलीग्राम मिल जाएगा. एंड शाम वाली क्लास को भी मिस मत किया करो. शाम वाली क्लास को भी मिस मत किया करो, जो अब 9 बजे नहीं, वो अब 10 बजे होनी स्टार्ट हो गई है. उसके बारे में भी, दैट इज़ कम्प्लीटली एन NCR सेशन, उसका अपडेट भी आप लोगों को टेलीग्राम के ऊपर मिलेगा. सो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. आई एम वेटिंग कि आप लोग फटाफट से सेशन को लाइक कर देंगे और दूसरा जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे. फटाफट दो काम कर दो, उसके बाद अपन सेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं. न्यू टू माई चैनल एंड सब्सक्राइब नाउ. थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट. टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लो यार. ओके, चलिए चलिए जी, चलिए चलिए, कर लिया. चलो करें अब स्टार्ट. फटाफट से बोलो, स्टार्ट करें अब. जोश कैसा है? जोश वोश नाम की चीज है कि नहीं है? ओके, चलो स्टार्ट करते हैं. आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन. बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन चैप्टर को हम लोग खत्म करेंगे. इसको स्टार्ट भी करेंगे, इसको खत्म भी करेंगे. ठीक है जी? ओके फाइन, चलो स्टार्ट करते हैं. ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर 3. चलो फटाफट से देखो. न्यूट्रिएंट्स एंड अदर असेंशियल सब्सटेंसेस, न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, दूसरे असेंशियल सब्सटेंसेस, ये सारे के सारे लिविंग सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं. और जितने भी वेस्टफुल या फिर हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं. क्या मेरे अंदर काफ़ी सारे यूजफुल सब्सटेंसेस भी प्रेजेंट हैं? क्या यहाँ पे हम लोगों के पास हार्मफुल सब्सटेंसेस भी प्रेजेंट हैं? तो आपको नहीं लगता कि हम लोगों को हार्मफुल सब्सटेंसेस को बाहर निकालने की ज़रूरत है? क्या आपको नहीं लगता कि हम लोग को हार्मफुल सब्सटेंसेस को बाहर निकलवाने की जरूरत है? अगर मैं उनको अपनी बॉडी में ही कैरी करती रहूंगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना. ठीक है, तो इसीलिए काफ़ी एफिशिएंट मैकेनिज्म्स होती हैं. अलग अलग के अंदर अलग अलग चीज़ें हम लोग के पास होती हैं, काफ़ी एफिशिएंट मैकेनिज्म्स होती हैं. ठीक है, तो स्पंजेस और सिलेंट्रेट्स वन बाय वन करके बात करते जाते हैं. सभी लोगों ने एनिमल किंगडम चैप्टर पढ़ा होगा. एनिमल किंगडम चैप्टर के अंदर अपने पास क्या होगा? यहाँ पे तुमने देखा था स्पंजेस में क्या था, वाटर को सर्क्यूलेट करते हैं. तो सर्क्यूलेट वाटर थ्रू देयर बॉडी कैविटीज, ये सभी लोगों को याद होता है बिल्कुल अच्छे तरीके से कि स्पंजेस और सिलेंट्रेट्स के अंदर हम लोग वाटर को सर्क्यूलेट करते हैं बॉडी कैविटीज से. सबसे पहली बात, मेरी बॉडी है, मेरी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं, ऑक्सीजन है और काफ़ी सारे असेंशियल सब्सटेंसेस भी हैं, लेकिन साथ में कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस भी हैं जिनको मुझे बाहर निकलवाना है.
ठीक है, ओके जी। जैसे अपने पास मान लो स्पंजेस हैं या फिर सिलेंट्रेट्स हैं, उनके अंदर हम बॉडी कैविटी से वाटर को सर्कुलेट करवा रहे होते हैं और जितने भी हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं उससे हम लोग निकलवा रहे होते हैं। दूसरा अपने पास क्या है, जितने भी हायर ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि ह्यूमंस हो गए, हमारे अंदर क्या होता है, हमारे अंदर एक सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, हम लोगों के अंदर एक ब्लड वहाँ पर प्रेजेंट होता है, या फिर हम लोग के पास लिम्फ भी, हम कह सकते हैं कि लिम्फ भी प्रेजेंट अपने पास होता है, लिम्फ भी अपने पास प्रेजेंट होता है, ठीक है जी। तो अब स्पंजेस और सिलेंट्रेट्स के अंदर, इस पेज में कुछ भी याद करने का नहीं था, सबसे पहले बताओ स्पंजेस और सिलेंट्रेट्स पुराने वाली चीजें, पुराने वाली चीजें अपने पास होंगी तो ये क्या करती हैं, सिर्फ वाटर को सर्कुलेट करवाती हैं बॉडी कैविटीज से, ठीक है जी। हायर ऑर्गेनिजम्स ह्यूमंस वो क्या करेंगे, वो हम लोगों के पास ब्लड लिम्फ को या फिर टिश्यू फ्लूइड को सर्कुलेट करवा रहे होंगे। चलो ओके, ब्लड के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं यार, हम लोग ब्लड से अपना स्टार्ट करते हैं। ब्लड क्या होता है, अब तुम सोच के देखो, ये पूरी की पूरी बॉडी के अंदर ब्लड घूम रहा है। ये रिकॉर्डेड वीडियो नहीं है सुकन्या, ये रिकॉर्डेड वीडियो नहीं है, ठीक है, दिस इज नॉट अ रिकॉर्डेड वीडियो। चलो ओके, तो अपने पास क्या है, ब्लड। ब्लड क्या कर रहा है, हमारी पूरी की पूरी बॉडी के अंदर घूम रहा है। तो ये क्या है, एक तरीके से मेरी बॉडी को कनेक्ट कर रहा है, दिस इज अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, ये एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है। इसके अंदर क्या होगा अपने पास, देखो प्लाज्मा, कोई भी चीज़ अपने पास होती है उसके अंदर क्या होता है, प्लाज्मा होता है, कुछ फॉर्म्ड एलिमेंट्स अपने पास होते हैं और एक फ्लूइड मैट्रिक्स अपने पास होता है। तीन चीज़ें होती हैं, क्या 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 होती है, ब्लड सबसे पहली बात तो पूरे के पूरे सिस्टम को, पूरे की पूरी बॉडी को कनेक्ट कर रहा है, इसीलिए ये क्या है अपने पास, दिस इज अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, ये क्या है, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है जी। नेक्स्ट अपने पास क्या है, क्या है हम लोग के पास, ये यहाँ पर प्लाज्मा, साथ में कुछ यहाँ पर क्या होंगे, फॉर्म्ड एलिमेंट्स होंगे और फ्लूइड मैट्रिक्स अपने पास यहाँ पर प्रेजेंट होगा, फ्लूइड मैट्रिक्स प्रेजेंट होगा। तीन चीजें हम लोग के पास प्रेजेंट हो गई, वन बाय वन करके सभी चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है मेरे पास प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है यार, तुम लोग को सबको पता है प्लाज्मा जो वहां पे फ्लूइड वाला पोर्शन, जो वो चीजें प्रेजेंट है, वो प्लाज्मा अपने पास है और वो क्या होता है, स्ट्रॉ कलर का होता है, विस्कस सा फ्लूइड, विस्कस सा फ्लूइड हम लोग के पास होता है और स्ट्रॉ कलर का होता है हम लोगों के पास। दूसरी चीज, ब्लड के अंदर 55% प्लाज्मा होता है। तुम लोग सोच के चलो, मान लो अपने पास इसके अंदर यहाँ पर ब्लड भरा हुआ है, इसके अंदर 55% अपने पास क्या है, 55% प्लाज्मा है। डन, तो सबसे पहले मेरे साथ सभी लोग बोल बोल के रिपीट करेंगे, बोल बोल के रिपीट करोगे तो अच्छे से याद होता चलेगा। सबसे पहले ब्लड क्या था, एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, फिर से रिपीट करो, ब्लड क्या है, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, उसके अंदर क्या क्या होता है, प्लाज्मा, फॉर्म्ड एलिमेंट्स, फ्लूइड मैट्रिक्स। फटाफट से, प्लाज्मा, फॉर्म्ड एलिमेंट्स, फ्लूइड मैट्रिक्स, ठीक है जी। प्लाज्मा की बात करते हैं, ये पूरा का पूरा अपने पास किससे भरा हुआ है, प्लाज्मा से भरा हुआ है, जो कि कैसा होता है हम लोग के पास, स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड, विस्कस फ्लूइड अपने पास होता है जो कि ब्लड के 55% पोर्शन को कवर कर रहा होता है। चलो ओके, तो अपने पास प्लाज्मा के अंदर क्या क्या होता है, अब प्लाज्मा के अंदर क्या क्या होता है उसके बारे में पूछा गया है। अगर विस्कस है तो मतलब इसमें पानी होगा और पानी के अंदर कुछ चीजें डिसॉल्व्ड अपने पास होंगी, ठीक है। तो इसका मतलब अगर प्लाज्मा अपने पास है तो प्लाज्मा के अंदर 90-92% वाटर हमारे पास प्रेजेंट है, 90-92% वाटर प्रेजेंट है। साथ में क्या है अपने पास, साथ में अपने पास और काफी सारे फॉर्म्ड साथ में और काफी सारी चीजें अपने पास है, जैसे कि 6-8% प्रोटीन्स, 90-90% वाटर, नेक्स्ट 6-8% अपने पास क्या है, प्रोटीन्स। प्रोटीन्स कौन कौन से, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन। MBBS के अंदर इसके ऊपर कम से कम तुम लोग का 5 नंबर का क्वेश्चन तो मिनिमम एक्सपेक्ट करके चलना, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन के ऊपर आएगा ही आएगा फर्स्ट ईयर के अंदर, राइट इन योर फर्स्ट ईयर। ओके, सो अपने पास क्या है, प्लाज्मा। प्लाज्मा के अंदर 90-92% वाटर, 6-8% प्रोटीन्स अपने पास होते हैं। कौन कौन से, एक होता है एल्ब्यूमिन, AG,
ए जी है ना, सबके होंगे ए जी, तो किसी के ए जी होंगे, किसी की ए जी होगी, किसी का होगा, किसी की होगी, ठीक है। तो किसके ए जी, कि सबके ए जी होंगे, ऐसे ही अपने प्लाज्मा के भी ए जी हैं और साथ में फिब्रिनोजन है, ठीक है। तो एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन के अंदर क्या होता है, एल्ब्यूमिन के अंदर ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करता है, ठीक है। ग्लोबुलिन क्या करता है, ग्लोब, ग्लोब से लड़ने का काम करता है, डिफेंस मैकेनिज्म बनाकर रखता है। फिब्रिनोजन, तुम सबको पता है कट लग जाए तो फिब्रिन्स, फाइबर्स, फिब्रिनोजन कहते ही फाइबर्स याद आता है, फाइबर्स याद आते ही क्लोटिंग याद आती है हमें, तो इसका मतलब ब्लड क्लोटिंग में इनएक्टिव फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है। तीनों चीजें बिल्कुल याद हो गई, ए जी सबके ए जी होंगे, ऐसे ही अपने प्लाज्मा के भी ए जी हैं। दूसरा क्या हो गया, दूसरा हम लोग के पास यहाँ पर है फिब्रिनोजन, फिब्रिनोजन अगर अपने पास यहाँ पर है तो फिब्रिनोजन के अंदर क्या होता है, फिब्रिनोजन के अंदर क्या होता है हम लोगों के पास, फिब्रिनोजन के अंदर ब्लड क्लोटिंग प्रेजेंट इन इनएक्टिव फॉर्म, ये फिब्रिनोजन हो गया। फिब्रिनोजन से फाइबर्स, ग्लोबुलिन्स पूरे ग्लोब से लड़ता है, डिफेंस मैकेनिज्म, एंड एल्ब्यूमिन अब तुम्हें याद रहेगा ही, ऑस्मोटिक बैलेंस। डन डन, बिल्कुल अच्छे से याद हो गया, ये चीज बिल्कुल अच्छे से याद हो गई। एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स, कुछ मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं जैसे कि सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, HCO3- Cl-, जिसको भी ये नोट्स चाहिए ना, ये स्क्रीन दिख जाएगी यार तुम लोगों को, नोट्स में होगा, थोड़ी सी कट जाती है उसको कॉपरेट क्या करो, ये नोट्स ऐसे ही बनाए जा चुके हैं, वी कॉन्ट डू एनीथिंग अबाउट इट, इसको छोटा नहीं कर सकते हम, ऐसे ही एडजस्टमेंट होगा, ठीक है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम रक्षिता सिंह नाम से है, लिंक भी मैंने आपका पिन कर दिया है कमेंट के अंदर, वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पर क्या हो गया, प्लाज्मा जो होता है वो स्ट्रॉ कलर का होता है, फटाफट से मेरे साथ रिपीट करो यार, प्लाज्मा कैसा होगा, स्ट्रॉ कलर का होगा। विस्कस फ्लूइड अपने पास होता है जो कि ब्लड का 55% बना रहा होता है, और 90-92% प्लाज्मा पानी होता है, 6-8% क्या होते हैं हम लोग के पास, प्रोटीन्स हमारे पास होते हैं, फिब्रिनोजन, ग्लोबुलिन्स, एल्ब्यूमिन्स, फिब्रिनोजन, ग्लोबुलिन्स, एल्ब्यूमिन्स, ठीक है जी। ग्लोबुलिन ग्लोब से लड़ेगा, डिफेंस मैकेनिज्म, फिब्रिनोजन फाइबर्स यहाँ पे होंगे, क्लॉटिंग को अपना ओवरकम करवाने में हेल्प करेगा, एंड एल्ब्यूमिन्स के अंदर ऑस्मोटिक बैलेंस वो बनाकर रखेगा, ठीक है। ओके, साथ में कुछ और चीज़ें, ये तो हर जगह पे होती हैं यार, जैसे अपना ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, लिपिड्स, देखो फैट से आया लिपिड, प्रोटीन से आया अमाइनो एसिड्स, और ये हो गया हम लोगों के पास ग्लूकोज, ये हो गया हम लोगों के पास ग्लूकोज, ठीक है। साथ में कुछ अमाउंट ऑफ मिनरल्स जैसे कि सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, HCO3- Cl-, क्या क्या हो गया हम लोगों के पास, NaCl, Ca, Mg और एक और बचा HCO3-। क्या ये पेज सभी लोगों को याद हुआ कि नहीं हुआ, सबसे पहले इस चैप्टर की शुरुआत हमने की थी कि सबके अंदर एसेंशियल सब्सटेंसेस होते हैं, कुछ हार्मफुल भी होते हैं जिन्हें हमें बाहर निकलवाना है, जैसे कि अपना स्पंजेस और सिलेंट्रेट्स के अंदर तो पानी, वाटर, उनकी बॉडी कैविटी से हम निकलवा देते हैं, जबकि हायर ऑर्गेनिजम्स में ब्लड या फिर लिम्फ होता है। ब्लड क्या होता है, एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू होता है, किस किस से मिलकर बना है, प्लाज्मा से, फॉर्म्ड एलिमेंट से, फ्लूइड मैट्रिक्स से। प्लाज्मा अपने पास क्या हो गया, प्लाज्मा है हम लोग के पास, फटाफट से चार बार हम कर चुके हैं, स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस 55% ऑफ ब्लड को बनाता है। प्लाज्मा किससे बना है, 90-92% वाटर, 6-8% प्रोटीन्स, कौन कौन से प्रोटीन, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन, ठीक है। साथ में ये कुछ मिनरल्स हो गए अपने पास, और ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स एंड लिपिड्स, ठीक है। ओके, अब इसके अंदर तो क्या है, इसके अंदर हैं क्लोटिंग फैक्टर्स जो ब्लड की क्लोटिंग करवा सकते हैं, लेकिन अगर कोई प्लाज्मा बिना क्लोटिंग फैक्टर का हो तो उसे बोला जाता है सीरम। क्लॉटिंग वहां पर नहीं होगा तो उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है सीरम। सो प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर, दैट इज टर्म्ड एज सीरम। डन, ये पेज सभी लोगों को याद, जोश के साथ बता दो मुझे फटाफट से। ओके यार, ग्रेट, तो अपना प्लाज्मा डन। अब कुछ फॉर्म्ड एलिमेंट्स अपने पास यहाँ पर होंगे, फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। क्या क्या फॉर्म्ड एलिमेंट्स हम लोग के पास होंगे, इरिथ्रोसाइट्स, मतलब RBC, WBC एंड
प्लेटलेट्स, क्या क्या होंगे? फॉर्म्ड एलिमेंट्स, कुछ फॉर्म्ड बने हुए एलिमेंट्स, ठीक है। तो अपने पास क्या हो गए, इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। अब तुम्हें खुद पता है अगर प्लाज्मा 55% है तो ये कितना परसेंट होगा, दिस विल बी 45%। ये तो मुझे याद करवाने की जरूरत नहीं है कि अपने पास इरिथ्रोसाइट्स होते हैं, ल्यूकोसाइट्स होते हैं और प्लेटलेट्स होती हैं, ठीक है। ग्रेट यार, अब वन बाय वन करके सबकी बात करते हैं। सबसे पहले अपने पास है इरिथ्रोसाइट्स। इरिथ्रोसाइट्स का मतलब क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी। मेन जितना भी ट्रांसपोर्ट मेरी बॉडी के अंदर करवाना होता है ना मुझे, वो सारा का सारा कौन करवाता है, तुम्हें खुद पता है, आरबीसी लेकर जाती है, आरबीसी ही खाना लेकर जाती है, ब्लड ही लेकर जाता है ना, आरबीसी ही खाना लेके जा रही होती है, आरबीसी ही ऑक्सीजन लेके जा रही होती है, हर काम कौन करवाता है, आरबीसी करवाता है। इसीलिए दिस इज मोस्ट अबंडेंट। डब्ल्यूबीसी क्या करेगा, व्हाइट ब्लड सेल, वो क्या करेगा, कुंफू पांडा, लड़ाई करेगा। और प्लेटलेट्स क्या करेंगी, हम लोग की ब्लड की क्लॉटिंग करवाएंगी, ठीक है। तुम सबको पता है अब सबसे ज्यादा ब्लड क्लॉटिंग तो कभी कभी होती है, इसका मतलब ये क्या होगी, ये शायद कम होगी। लड़ाई भी हमारी, हम हमेशा बीमार थोड़ी ना पड़े रहते हैं, कभी कभी बीमार होते हैं, इसका मतलब ये भी क्या होगी, ये भी कम होगी। और जो इरिथ्रोसाइट्स है वो क्या होंगी, वो सबसे ज्यादा होंगी। Then, तो इरिथ्रोसाइट्स या फिर रेड ब्लड सेल्स जिनको हम कहते हैं, वो क्या होती है, मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज्यादा अबंडेंट। और कितनी, 5 to 5.5 million ऑफ आरबीसी पर मिलीमीटर क्यूब, पर मिलीमीटर क्यूब, 5 से 5.5 million, 5 से 5.5 million, ठीक है। तो अब अपने पास ये हो गया, सबसे पहली बात है इरिथ्रोसाइट्स। सबसे पहले रिपीट करो मेरे साथ, इरिथ्रोसाइट्स अपने पास क्या होगा, इरिथ्रोसाइट को क्या बोला जाता है, फ्लूइड, सॉरी रेड ब्लड सेल्स। ये क्या होती है हम लोग के पास, ये होती है मोस्ट अबंडेंट, कितनी, 5 to 5.5 million ऑफ आरबीसीज पर मिलीमीटर क्यूब। अब रेड ब्लड सेल है तो कहाँ पर बनी होगी, रेड बोन मैरो में, अडल्ट्स में, वी आर टॉकिंग अबाउट अडल्ट्स हियर, राइट। सो रेड ब्लड सेल्स कहाँ पर बनी होंगी, रेड बोन मैरो में, डन। बाकी ये चीज़ सबको पता होती है यार कि आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। तुम खुद सोच के देखो, तुम ऐसे सोच के देखो, इसको क्या करवाना है, ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, इसको इधर उधर इतना सारा ट्रांसपोर्टेशन करवाना है, ठीक है। अब इसके अंदर अगर न्यूक्लियस होता तो हम इसको मोड़ना चाहते, ये मुड़ नहीं पाती। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, मान लो ये है मेरी आरबीसी, ठीक है, ये मेरी आरबीसी है। अब ऐसे तो ये कहीं भी जा सकती है, ऐसे तो देखो ये कहीं भी जा सकती है। अगर मैं इसके अंदर डाल दूं न्यूक्लियस, अब देखो इसके अंदर न्यूक्लियस है, अब अगर मैं इसको ऐसे भेजना चाहूं तो न्यूक्लियस अड़ जाएगा ना, मुझे इधर उधर कहीं भेजने में दिक्कत होगी। तो इसीलिए क्या कर दिया, इसीलिए हमने इसको न्यूक्लियस खत्म ही करवा दिया, मोस्ट ऑफ मैमल्स के अंदर न्यूक्लियस खत्म ही करवा दिया। दूसरा, इस आरबीसी की शेप तुम लोग को साफ साफ दिख रही है, इस आरबीसी की शेप क्या सर्कुलर है, सर्कुलर नहीं है। हम लोग के पास ये कैसी होती है, हम लोग के पास आरबीसी होती है कुछ ऐसी, ऐसी बाय कॉनकेव, ऐसी ऐसी कुछ होती है हम लोग के पास, ठीक है। तो अपने पास कैसी होती है, बाय कॉनकेव, बाय कॉनकेव हम लोग के पास हो गई। नाम क्या है, रेड ब्लड सेल। कैसी होगी, रेड कलर की होगी। आयरन कंटेनिंग हीमोग्लोबिन इसके अंदर प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये क्या होती है, जिसकी वजह से ये रेड होती है, आयरन कंटेनिंग हीमोग्लोबिन। अगर हेल्दी इंडिविजुअल में बात करूँ तो तुम लोग हीमोग्लोबिन चेक करवाने जाते हो अपना, डॉक्टर क्या बोलता है, 12 से 16 के बीच में होना चाहिए, 12 से 16 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। और आरबीसी क्या करती हैं, ऑलरेडी मैं तुम्हें बचा चुकी हूँ, जितनी भी गैसेस हैं उन सभी को ट्रांसपोर्ट करवाने में हेल्प करती हैं, उन सभी को ट्रांसपोर्ट करवाने में हेल्प करती हैं। तुम लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या फिर सो चुके हो आज, आज क्लास में सुबह सुबह मतलब पहले आते ही सो चुके हो क्या। अपना प्लाज्मा हो गया, प्लाज्मा के अंदर क्या क्या था, चलो फटाफट से रिपीट करते हैं। प्लाज्मा में क्या था, स्ट्रॉ कलर का विस्कस फ्लूइड, जो कि अपने पास कितना होता है, 55% ब्लड अपने पास होता है। अगर प्लाज्मा की बात करूं तो प्लाज्मा किससे बना होता है, 90 to 92% पानी से बना होता है, 6 से 8% प्रोटीन से अपने पास बना होता है, एल्ब्यूमिन्स, ग्लोबुलिन्स, फिब्रिनोजन,
ठीक है, एल्ब्यूमिन्स, ग्लोबुलिन्स, फिब्रिनोजन, साथ में ये छोटी मोटी अमाउंट्स के अंदर भी और चीजें प्रेजेंट होती हैं। फिर मैंने बात की फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स। अगर इरिथ्रोसाइट्स की मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा अबंडेंट होती हैं, कितनी, 5 to 5.5 मिलियन। रेड ब्लड सेल है तो कहां पर बनेंगी, रेड बोन मैरो में। न्यूक्लियस इनमें नहीं होता। ये कैसे शेप की होती है, बायकॉनकेव शेप की हमारे पास होती हैं। रेड है तो रेड कलर की, साथ में इनमें हीमोग्लोबिन होता है। और कितना अपने पास होता है, 12 टू 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है हर 100 ml ब्लड में। और ये क्या करते हैं आरबीसी, हम लोगों के पास रेस्पिरेटरी गैसेस को ट्रांसपोर्ट करवाने में हेल्प करते हैं। मैंने दोनों की दोनों चीजों को बिल्कुल अच्छे से रिवाइज भी करवा दिया। डन, सभी लोगों को क्लियर बिल्कुल, चलो यार ग्रेट। ओके, इनका एवरेज लाइफ स्पैन कितना होता है, एवरेज लाइफ स्पैन होता है 120 डेज। इसीलिए बोला जाता है 3 से 4 महीने के अंदर आप फिर से ब्लड डोनेट कर सकते हो, क्योंकि आपकी आरबीसीज दोबारा बन जाएंगी, राइट, डिस्ट्रॉयड इन स्प्लीन, एंड दैट इज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज। आरबीसीज का ग्रेवयार्ड होता है, इसमें डिस्ट्रॉय इनको किया जाता है। डिस्ट्रॉयड इन स्प्लीन, एवरेज लाइफ स्पैन कितना होता है, 120 डेज। हीमोग्लोबिन कितना होता है, 12 to 16 ग्राम। डन जी, एंड 5 to 5.5 मिलियन ऑफ आरबीसीज। दिस वॉज 55%, दिस वॉज 92%, दिस वॉज 45%। सारा का सारा डाटा याद करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डाटा याद करते रहना बस। डन, ओके, ग्रेट ग्रेट। नेक्स्ट अपने पास है ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स का मतलब क्या होगा, WBCs, व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं, लड़ने का काम करेंगे, इसीलिए छुपके इनको जाना होता है। इनको छुपके जाना होता है तो क्या होगा अपने पास, यहाँ पर ये कैसे होते हैं, ये होते हैं कलरलेस। इनको छुपके जाना है, लड़ने जाना है ना, इनको छुपके ही जाएंगे ये अपने पास, ठीक है, तो कलरलेस अपने पास हो गया। इनके अंदर अगर ये कलरलेस हैं, इसका मतलब इनमें हीमोग्लोबिन नहीं है, न्यूक्लियस इनके अंदर प्रेजेंट होता है, शॉर्ट लिव्ड ये होती हैं। वैसे भी जो लोग जंग में जिनको भेजा जाता है, ये एक्सपेक्ट करके ही भेजा जाता है कि शायद अपने ज़्यादा टाइम नहीं बच पाएंगे, है ना, यही सोच के भेजा जाता है। तो ये भी क्या होती है अपने पास, WBC होती है। और कितना, 6,000 से लेकर 8,000। डन, सभी लोगों को बिल्कुल याद हो गया, ये सभी लोगों को याद हो गया। तो ल्यूकोसाइट्स, WBCs अपने पास क्या होती हैं, कलरलेस होती हैं, हीमोग्लोबिन इनमें नहीं होता, न्यूक्लिएटेड अपने पास होती हैं, शॉर्ट लिव्ड, और साथ में 6,000 से 8,000 per millimeter cube। कलरलेस, हीमोग्लोबिन नहीं होगा, न्यूक्लिएटेड होंगी, शॉर्ट लिव्ड होंगी, 6,000 से 8,000। डन, अपर लेफ्ट एब्डोमेन के अंदर, जी बिल्कुल। अब WBCs जो होती हैं वो दो तरीके की होती हैं, एक क्या होता है, एक होता है ग्रैन्यूलोसाइट्स और दूसरा होता है ए ग्रैन्यूलोसाइट्स। ये पता है, ये चैप्टर में काफ़ी सारी चीज़ें अभी इम्पॉर्टेंट हैं, इसीलिए इस चैप्टर में हमें स्पीड थोड़ी सी पकड़नी पड़ेगी। कार्डियक साइकिल पढ़ाते हुए भी मुझे टाइम लगेगा अच्छा खासा, ठीक है, तो इसीलिए थोड़ी सी स्पीड पकड़ो इस चैप्टर के अंदर। डन, चलो, ओके, तो अपने पास क्या होती है, दो चीजें, एक क्या हो गई हम लोग के पास, ग्रैन्यूलोसाइट्स, और दूसरी अपने पास क्या होती है, ए ग्रैन्यूलोसाइट्स। ग्रैन्यूलोसाइट्स के अंदर तुम खुद सोचो एक चीज क्या होती है, एक होती है एसिडिक, एक होती है बेसिक, और एक होती है न्यूट्रल। क्या यही तीन टर्म्स हम लोग यूज करते हैं, सभी यही तीन टर्म्स यूज करते हैं हम लोग, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। क्या यही पढ़ते हैं हम लोग, क्या यही तीन टर्म्स होती हैं अपने पास, चलो ठीक है, ऐसे यहां पर होंगी। अगर एसिडिक है तो एसिनोफिल्स, अगर बेसिक है तो बेसोफिल्स, और न्यूट्रल न्यूट्रोफिल्स। हो गए तीनों नाम याद, बिल्कुल इजीली अपने पास हो गया, एसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, तीनों नाम हम लोग को याद हो गए।
क्या क्या? इयोसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। चलो ग्रेट यार ग्रेट। तो अपने पास इयोसिनोफिल्स, अपन के पास क्या करेंगे, हम लोग के पास एसिडिक, एसिड थोड़ा सा एलर्जी से रिलेटेड है, एसिड से रिलेटेड अपने पास है, तो ऑल्सो एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शंस, एलर्जी से थोड़ा थोड़ा एसोसिएटेड होता है। बेसोफिल्स अपने पास क्या है, बेसोफिल्स बेसिक चीज़ें अपने पास क्या होंगी, एंटी इन्फ्लाम, यहाँ पे हम लोग के पास इन्फ्लामेटरी रिएक्शन जितने भी होते हैं जिसके अंदर हिस्टामिन सेरोटोनिन हिपारिन और न्यूट्रोफिल्स न्यूट्रल हैं, इनको कोई मतलब नहीं है, सबको खा जाते हैं, तो अपने पास क्या हो गए, फैगोसाइटिक। न्यूट्रोफिल्स क्या होते हैं, फैगोसाइटिक। चलो वन बाय वन करके याद करवाती हूँ। सबसे पहले ग्रैन्यूलोसाइट्स कहते हैं, तुम्हारे दिमाग में क्या आएंगी, तीन चीज़ें आएंगी। कौन कौन सी तीन चीज़ें तुम लोग के पास आएंगी, एक होती होगी एसिडिक, दूसरी होती होगी बेसिक, तीसरी होती होगी हम लोग के पास न्यूट्रल चीज़, कोई एसिडिक चीज़, कोई बेसिक चीज़, कोई न्यूट्रल चीज़। एसिडिक, ये लड़की बड़ी तीखी है, एसिडिक है ये लड़की, बहुत एसिडिक है। तो एसिडिक क्या होता है अपने पास, उस ऐसी लड़कियों को क्या होते हैं, एलर्जी मिलती है, तीखी तीखी जितनी लड़कियां मिलती हैं इनको एलर्जी मिलती है, ठीक है। तो अपने पास ये क्या हो गया, एसिडिक चीज़ें किससे जुड़ी हुई मिलेंगी, एलर्जिक रिएक्शन से जुड़ी हुई मिलेंगी। जो बेसिक अपने पास होगा, बेसोफिल्स, उनके अंदर क्या होगा, उनके अंदर अपने पास यहाँ पर क्या होगा, हिस्टामिन सेरोटोनिन हिपारिन, ठीक है, हिस्टामिन सेरोटोनिन हिपारिन। और अपने पास न्यूट्रोफिल्स सबके लिए न्यूट्रल हैं, सबको मार डालेंगे, फैगोसाइटिक, सबको खा जाएंगे राइट। तो हम लोग के पास एसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। फटाफट से मुझे बता दो, सभी लोगों को याद हो गया कि नहीं हो गया, एसिनोफिल्स, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स याद हो गया। चलो ग्रेट, दो अपने पास और क्या चीजें बची, एक बचा हम लोगों के पास लिम्फोसाइट्स और दूसरा क्या बचा, मोनोसाइट्स, ठीक है, मोनोसाइट्स। मोनो मतलब अकेला ही सबको तोड़ डालेगा, फोड़ डालेगा, फैगोसाइटिक, अकेला ही सबको खा जाएगा। और लिम्फोसाइट क्या होते हैं, ये हम लोगों के पास बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट कहते ही तुम लोगों को ऑलरेडी खुद ही याद आ जाएगा, इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। चलो फटाफट से अब मैं तुम लोगों को सारा पूरा रिवाइज करवाने जा रही हूँ। अपने पास WBC जो होती हैं उसके अंदर दो पार्ट्स हो गए, कौन कौन से, वन इज ग्रैन्यूलोसाइट्स, अनदर वन इज ए ग्रैन्यूलोसाइट्स। ग्रैन्यूलोसाइट्स के अंदर क्या क्या होगा, एक चीज एसिडिक होगी, दूसरी चीज बेसिक होगी, तीसरी चीज न्यूट्रल होगी। एसिडिक लड़कियां, एलर्जी हो गया हम लोग के पास। दूसरा अपने पास क्या हो गया, बेसोफिल्स इंफ्लामेटरी रिएक्शंस, मतलब अपना क्या क्या हो गया हम लोग के पास, सेरोटोनिन हिस्टामिन हिपारिन। तीसरा न्यूट्रल सबके लिए न्यूट्रल, सबको खा जाएगा, फैगोसाइटिक। मोनो भी हम लोग के पास क्या हो गया, मोनो अकेला ही सबको संभाल लेता है, फैगोसाइटिक अपने पास हो गया। और लिम्फोसाइट कहते ही सबको क्या याद आता है, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट, और वो क्या होते हैं हम लोग के पास, इम्यून रिस्पॉन्स के अंदर कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। क्या सभी लोगों को याद हो गया कि WBCs के दो टाइप हैं, ग्रैन्यूलोसाइट्स एंड ए ग्रैन्यूलोसाइट्स, वो क्या क्या हम लोगों के पास है। डन, याद हो गया बिल्कुल। वैल्यूज और याद करनी है इसके अंदर यार, वैल्यूज अपने पास क्या होंगी, देखो सबसे ज्यादा न्यूट्रल इंसान इस जिंदगी में सर्वाइव कर सकता है, जो इंसान सबसे ज्यादा न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल इंसान कितना है, 60 to 65% न्यूट्रल इंसान, न्यूट्रोफिल्स। लिम्फोसाइट्स अपने पास क्या होंगे, लिम्फोसाइट्स, इम्यून सिस्टम भी अपने को चाहिए, तो न्यूट्रोफिल्स के बाद कौन मिलेंगे, लिम्फोसाइट्स मिलेंगे, 20 to 25%। अब न्यूट्रोफिल्स की तरह जो इंसान अकेला रह सकता है वो भी अच्छा खासा सर्वाइव कर सकता है, तो सबसे ज़्यादा ये, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे ये, 6 से 8%। और ये तो चिन्नू चिन्नू है, ये 2-3%, ये 0.5 to 1%, ठीक है। सबसे पहले जो इंसान सबसे ज़्यादा न्यूट्रल हैं वो कितने होंगे हम लोग के पास, सबसे ज़्यादा अबंडेंट होंगे, सबसे ज़्यादा उनकी रिस्पेक्ट होती है, क्या हो गए हम लोग के पास, 60 to 65%। नेक्स्ट अपने पास है लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स कितने होंगे, तो हम लोग ऐसे सोच लो ना,
तुम लोग ऐसे सोच लो कि इन तीनों में कोई एक मैक्सिमम होगा, इन दोनों में कोई एक मैक्सिमम टू डिजिट का, इधर इसमें न्यूट्रोफिल्स टू डिजिट में है, इन दोनों में लिम्फोसाइट्स टू डिजिट में है, अब यहाँ ऑलरेडी ये दो ही हैं तो बाकी बची हुई परसेंटेज और यहाँ पे थोड़ी थोड़ी बांट दी, 2-3% इसको दे दी, 0.5-1% इसको दे दी। सभी लोगों को WBC याद हो गया कि नहीं हो गया, फटाफट से एक बार मेरे को बता दो, फटाफट से बता दो, फटाफट बता दो, ठीक है? चलो ग्रेट ग्रेट, सभी लोगों को याद हो गया, जिसको नहीं हुआ वो पीछे जाके देख सकता है। प्लेटलेट्स अपने पास क्या होती हैं अब देखते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट्स। ये क्या होंगे हम लोगों के पास, ये क्या होंगे हम लोगों के पास, सेल फ्रेगमेंट्स फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट्स। मेगा कैरियोसाइट्स जो अपने पास हैं, स्पेशल सेल्स बोन मैरो के अंदर कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं, अपना बोन मैरो जो है उसके अंदर कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं जिनको क्या बोला जाता है, जिनको बोला जाता है मेगा कैरियोसाइट्स। क्या बोला जाता है? मेगा कैरियोसाइट्स, ठीक है? उनसे हम लोग के पास क्या बनता है, उनसे बनते हैं प्लेटलेट्स। डन। और कितनी प्लेटलेट्स होती हैं, कितनी बार आस पड़ोस में आपके लोगों को या फिर जिनको आप जानते होंगे उनको डेंगू वगैरह हुआ होगा, तब बोला जाता होगा कि 40,000 से कम रह गई तो रिस्क हो जाएगा। तो इसका मतलब अपने पास यहाँ पर कितना हो गया, हम लोगों के पास यहाँ पर जो नॉर्मल होगा वो कितना रहा होगा, 1.5 लाख से 3.5 लाख, 1.5 लाख से 3.5 लाख के आसपास, ठीक है? 1.5 लाख से 3.5 लाख के आसपास हम लोग के पास हो गया। तो प्लेटलेट्स अपने पास क्या होते हैं, प्लेटलेट्स को बोला जाता है थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स अपने पास प्लेटलेट्स, तुम खुद सोचो, प्लेट, प्लेट क्या है, बड़ी है, बड़ी है तो किससे मिली होगी अपने पास, मेगा, मेगा कैरियोसाइट से अपने को बनी होगी, ठीक है? मेगा कैरियोसाइट से अपनी बनी होगी, कहाँ पे, अपने पास यहाँ पे बोन मैरो के स्पेशल सेल्स के अंदर, ठीक है? तो डेंगू में 40,000 के आसपास में रिस्क हो जाता है, इसका मतलब नॉर्मल जो रही होगी वो कितनी रही होगी, 1.5 लाख से 3.5 लाख के आसपास। बाकी तो तुम लोग को पता ही है, बाकी तो तुम लोग को पता ही है अपने पास क्या होता है, कॉगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स हेल्प करती हैं, ठीक है? तो अब अगर इनमें रिडक्शन हो जाए तो हम लोग को क्या हो सकते हैं, क्लॉटिंग डिसऑर्डर। तो अगर मुझे फिर कहीं पर कट लग गया तो खून बहता रहेगा, बहता रहेगा, बहता रहेगा। डन। सभी लोगों को याद, एक बार प्लेटलेट्स को फटाफट से देख लो। ठीक है, डन। तो हम लोगों के पास यहां पे यार प्लेटलेट्स अपनी खत्म हो गई, WBCs हम लोग के खत्म हो गए, RBC हमारा खत्म हो गया, प्लाज्मा हमारा खत्म हो गया। प्लाज्मा की बात कर ली, फॉर्म्ड एलिमेंट्स की बात कर ली, इन्हीं दोनों चीज़ों के बारे में हमको बात करना था। एक बार प्लाज्मा के लिए मैं 10 सेकंड दे रही हूँ, सोच के देखो प्लाज्मा के अंदर क्या क्या था। हर पेज को एक बार फिर से लास्ट टाइम रिवाइज करते हैं, इस चैप्टर को थोड़ा जल्दी जल्दी करवाना है तो फटाफट से एक बार देखते जाओ। देखा इस पेज को, चलो नेक्स्ट RBC को देखो। देखा चलो नेक्स्ट ल्यूकोसाइट्स। इस पेज को देखो फटाफट। WBCs
प्लेटलेट्स ग्रेट। चलो यार हो गया होगा हम लोगों के पास। अब करते हैं अपन स्टार्ट ब्लड ग्रुप्स। ब्लड ग्रुप्स अपने पास क्या क्या होते हैं? ब्लड ग्रुप्स होते हैं ए बी ओ ब्लड ग्रुप एक, और दूसरा क्या होता है आर एच फैक्टर। सभी लोग फटाफट से एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर, ताकि थोड़ी सी चीज़ें हम लोग को याद हो जाएं, एक बार मुझे फटाफट से बता दो तुम लोग का ब्लड ग्रुप कौन कौन सा है और किस किस का ब्लड ग्रुप। उसके Why are you crying? यही काम है क्या मेरे को? Why are you crying? कुछ भी मतलब है बेटा, ये सब काम हम नहीं करते, ठीक है? रोना वोना नहीं करते हम, ठीक है? अच्छा, ग्रेट ग्रेट। तो अपने बहुत लोगों का ब्लड ग्रुप उनके माँ बाप जैसा होगा। माँ बाप का ही तो खून चूस के पैदा हुए हैं दीदी हम, मम्मा का ही तो खून चूस के साल भर से, 20-20 साल के हो गए हैं, 18-18 साल के हो गए हैं, 19-19 साल के हो गए हैं, खून ही चूस रहे हैं घर वालों का। चलो ओके ग्रेट यार ग्रेट ग्रेट। तो अपने पास क्या होता है? सभी लोग यहाँ पे ब्लड ग्रुप कैसे लिख रहे हैं? सब लोग लिख रहे हैं ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, सब ऐसे लिख रहे हैं। इसका मतलब कोई ए लिख रहा है, कोई बी लिख रहा है, कोई ओ लिख रहा है। वो तो अपने पास क्या है? ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग। साथ में कोई पॉजिटिव लिख रहा है, कोई नेगेटिव लिख रहा है, इसका मतलब एक और टाइप की ग्रुपिंग है, और वो भी हम लोगों को बात करनी है, उसके बारे में बात करनी है। चलो ठीक है, सबसे पहले किसके बारे में बात करते हैं? ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग। ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग अपना किससे हम लोग डिसाइड करेंगे? बेस्ड ऑन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टू सरफेस एंटीजन्स। दो चीजों के बेसिस पे, किस किस के बेसिस पे? ए के बेसिस पे और बी के बेसिस पे मैं डिसाइड करूंगी कि हमारा ब्लड ग्रुप क्या होगा क्या नहीं होगा, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं, ठीक है? तो आज तुम पता लगा भी सकते हो कि तुम अपने माँ बाप की असली औलाद हो या नहीं हो, इसीलिए फटाफट से एक बार देखते हैं इसको, और उसके बाद पता करते हैं कि हम अपने माँ बाप की असली औलाद हैं या फिर हम लोग को जो हमारा भाई कहता है कि हमें कचरे के डब्बे से उठा के लाया गया था, कहीं वो बात सच तो नहीं, आज प्रूव हो जाएगी। देखते हैं यार, तो किसके इसके बेसिस पे? ए और बी एंटीजन के बेसिस पर मैं डिसाइड करूंगी हमारा ब्लड ग्रुप कौन सा होता है। तो प्लाज्मा कंटेन टू नेचुरल एंटीबॉडीज। प्लाज्मा के अंदर दो नेचुरल एंटीबॉडीज होती हैं, किसके रिस्पॉन्स में? इन एंटीजन के रिस्पॉन्स में। फॉर एग्जाम्पल मान लो ए एंटीजन है तो उसके खिलाफ भी एंटीबॉडी हमारे पास प्रेजेंट होगी। अगर बी एंटीजन है तो दो चीजें होती है ना अपने पास, हम लोग की कोई भी रिएक्शन होता है उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर होता है एंटीजन, और उसके ऊपर अपने पास क्या होती है? हम लोग के पास होती है उसकी उसके खिलाफ एंटीबॉडी, उसके खिलाफ एंटीबॉडी। ओके जी चलो ठीक है, बात करते हैं हम लोग। तो इसीलिए हम लोग को ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेफली करना चाहिए। क्या क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल अगर आपके उसके ऊपर एंटीजन है ए, एंटीजन आपका क्या है? ए। इसका मतलब अगर आपका एंटीजन ए है तो आप बी को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तुम खुद बताओ, अगर तुम लोगों का ब्लड ग्रुप ए है इसका मतलब तुम बी को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, और अपने पास यहाँ पर क्या होगा? अपने पास यहाँ पर बी अगर हम लोग यहाँ पर डलवाएंगे तो उस केस के अंदर उसके खिलाफ कुछ एंटीबॉडीज बनेंगी। इसका मतलब अगर ए ब्लड ग्रुप है तो ए ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीजन्स के अंदर क्या होते हैं हम लोग के पास? कौन सा एंटीजन होता है? ए। अगर ब्लड ग्रुप मेरे पास क्या है? अगर ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन भी क्या होगा? ए। और वो अपने अंदर क्या नहीं डलने देगा? अपने अंदर वो बी को नहीं आने देगा। अगर बी को नहीं आने देगा लेकिन हमने बी को डाल दिया तो उसके खिलाफ क्या बन जाएंगी? उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बन जाएंगी। अगर मैं इसके अंदर ए को ही डाल दूं तो क्या कोई प्रॉब्लम होगी? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम कब होगी? जब मैं इसके अंदर बी को डालूं। तो अगर मैं इसके अंदर बी को डालूंगी तो मेरे पास यहां पर प्रॉब्लम होगी, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनेंगी, और कौन सी एंटीबॉडीज बनेंगी? एंटी बी।
एंटी बी। इसका मतलब अपने पास यहाँ पर क्या हो गया, अगर ब्लड ग्रुप है ए तो ए ब्लड ग्रुप के अंदर अपने पास एंटीजन भी कौन सा हो गया, ए। अगर मैं उसमें बी डलवाऊंगी तो मेरे पास वो काम नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि इसके अंदर एंटीबॉडी कौन सी होती है, एंटीबॉडी होती है एंटी बी। तो इस तरीके का अगर कोई इंसान है इसको ओ भी डोनेट कर सकता है और ए तो डोनेट कर ही सकता है। चलो दूसरा अपने पास क्या है, बी। अगर बी अपने पास है, किसी का ब्लड ग्रुप है बी, मान लो मैंने कहा कि मेरा ब्लड ग्रुप है बी, तो मेरे अंदर एंटीजन कौन से हैं, मेरे अंदर एंटीजन है बी। अब अगर मेरे अंदर कोई ए डालने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनेंगी, और इसका मतलब मेरे अंदर जो एंटीबॉडीज होती हैं वो कौन सी होती हैं, वो होती हैं एंटी ए। इसका मतलब मैं ब्लड किस किस से ले सकती हूँ, या तो किसी का ब्लड ग्रुप बी हो या फिर किसी का ब्लड ग्रुप ओ हो। चलो अब किसी का ब्लड ग्रुप है ए बी, ए बी है, तो ए बी अगर ब्लड ग्रुप है तो मेरे अंदर एंटीजन ए का भी है, मेरे अंदर एंटीजन बी का भी है। अगर मैं ब्लड यहाँ पर किसी ए ब्लड ग्रुप वाले से ब्लड लूँ तब भी मुझे कोई दिक्कत नहीं, अगर मैं बी वाले से ब्लड ग्रुप ब्लड लूँ तब भी मुझे कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब इनमें से किसी के खिलाफ भी एंटीबॉडीज बनेंगी ही नहीं। अगर इनमें से किसी के खिलाफ भी एंटीबॉडीज बनेंगी नहीं, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब एंटीबॉडीज है ही नहीं, निल। ये किस किस से ब्लड ले सकता है, ये सब से ब्लड ले सकता है, ये ए बी से भी ले सकता है, ये ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ओ से भी ले सकता है। दिस इज व्हाट, दिस इज यूनिवर्सल एक्सेप्टर। और डोनेट कौन कर रहा है, डोनेट कर रहा है ओ, तो ओ अपने पास क्या है, सबको डोनेट कर रहा है, तो ओ क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, ओके। तो अब अपने पास ओ के बारे में बात कर लेते हैं। ओ मतलब जीरो, जीरो का मतलब इसके अंदर कौन से एंटीजन हैं, ना तो इसमें ए का एंटीजन मुझे दिख रहा, ना ही मुझे इसमें बी का एंटीजन दिख रहा। अगर मैं ए ब्लड इसके अंदर डलवाऊंगी, किसी ऐसे बंदे का ब्लड ओ में डलवाऊंगी जिसका ब्लड ग्रुप ए है, तो उसके खिलाफ एक एंटीबॉडी बनेगी, कौन सी, एंटी ए। अगर मैं बी डलवाऊंगी तो उस केस के अंदर भी अपने पास क्या होगा, उस केस के अंदर भी एंटीबॉडी बनेगी, एंटी बी अपने पास बन जाएगी। तो इसका मतलब अपने पास एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं, कौन कौन सी, एंटी ए एंड एंटी बी। ये किससे ब्लड ले सकता है, ये सिर्फ ओ से ही ले सकता है, उसके अलावा किसी से ये ब्लड नहीं ले सकता, और उसके अलावा किसी से भी ये ब्लड नहीं ले सकता। सभी लोगों को समझ आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, ठीक है। अब कुछ लोग यहाँ पे बोल रहे हैं, दीदी प्लस 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 कहाँ से आएगा, आराम से शांति रखा करो, रुको ज़रा, सबर करो। RH ग्रुपिंग अपने पास होती है, प्रेजेंट इन 80% ऑफ ह्यूमन के अंदर। देखो तुम लोग मैक्सिमम देखते होगे, सभी लोग क्या कहते हैं, सभी लोग कहते हैं ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, मैक्सिमम लोग पॉजिटिव 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 कहते रहते हैं, नेगेटिव बहुत कम लोग कहते हैं, बहुत कम लोग कहते हैं। इसका मतलब 80% ह्यूमंस के अंदर क्या होता है, अपने पास पॉजिटिव होता है, राइट। और RH पॉजिटिव, अगर मैंने यहाँ पर लिखा है RH पॉजिटिव, इसका मतलब इस इंसान के अंदर कोई चीज़ प्रेजेंट है। अगर मैंने यहाँ पर लिखा RH नेगेटिव, मतलब एक कोई फैक्टर ऐसा है जो इस इंसान के अंदर एब्सेंट है, इसका मतलब तो यही हुआ ना, इसका मतलब यही हुआ। हम लोग के पास क्या है, एक इंसान, अगर मैंने पॉजिटिव लिखा मतलब इसके पास कोई एक ऐसा फैक्टर है जो इसके पास प्रेजेंट है, और अगर मैंने लिखा RH नेगेटिव तो कोई एक ऐसा इंसान है जिसके अंदर वो फैक्टर प्रेजेंट नहीं है। चलो ठीक है जी, ओके। इसका मतलब अपने पास यहाँ पर क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया अपने पास, अगर मैं RH पॉजिटिव वाले बंदे का ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव वाले में डलवा दूँ तो इसके पास तो वो फैक्टर प्रेजेंट है, इसके पास वो फैक्टर प्रेजेंट
नहीं है। तो जैसे ही मैं इसको इस तरीके के ब्लड ग्रुप में डालूंगी तो इस बॉडी, इस इंसान की बॉडी क्या कहेगी, अरे यार कोई बाहर से फॉरेनर आया है, फटाफट खत्म करो उसको, फटाफट मारो उसको। तो उसके खिलाफ क्या बन जाएंगी, एंटीबॉडीज बन जाएंगी। सुनो मेरी बात ध्यान से, आधे लोग सुन नहीं रहे हैं, ठीक है। जिस टाइम जो काम करवाया जाए उस काम पे फोकस किया करो। आर एच पॉजिटिव का मतलब क्या है, इसके पास कोई एक ऐसा फैक्टर है जो इसके पास प्रेजेंट है। आर एच नेगेटिव का मतलब अपने पास क्या है, इसके पास कोई एक ऐसा फैक्टर है जो एब्सेंट है। अगर ऐसा केस अपने पास यहाँ पर है तो इस केस के अंदर क्या हो गया मेरे पास, सीधी सी बात यहाँ पर है, जैसे ही मैं इसको इसमें डलवाऊंगी, इसके पास तो वो फैक्टर प्रेजेंट था, इसके पास नहीं था। इस ह्यूमन की बॉडी क्या कहेगी, अरे कोई फॉरेनर मेरी बॉडी में एंट्री मार रहा है, रोको रोको। तो क्या करवाएगा, एंटीबॉडीज उसके खिलाफ बनवा देगा, उसके खिलाफ क्या करवा देगा, एंटीबॉडीज बनवा देगा। चलो ठीक है, ग्रेट। अब तुमने कहा भी अगर कोई बंदा आरएच नेगेटिव है और एक बंदा आरएच पॉजिटिव है, अगर मैं इसको इसके अंदर डलवा दूं, फिर देखो इसके अंदर वो फैक्टर प्रेजेंट नहीं है, इसके अंदर वो फैक्टर प्रेजेंट है। जब इसके अंदर कोई फैक्टर प्रेजेंट ही नहीं है, इसके अंदर वो फैक्टर प्रेजेंट है ही नहीं, तो इसकी बॉडी इसको फॉरेनर भी डिटेक्ट नहीं करेगी। अगर इसको फॉरेनर डिटेक्ट नहीं करेगी तो इसके खिलाफ कोई एंटीबॉडीज भी नहीं बनेंगी, कोई कॉम्प्लिकेशन भी नहीं होगी, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी। डन, समझ गए, ग्रेट। अब देखो एक केस आप लोग पढ़ते हो, कौन सा केस पढ़ते हो, इरिथ्रोब्लास्टेसिस फिटालिस, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, देखो अपने पास क्या था, यहाँ पे मदर जो थी वो थी नेगेटिव, मतलब मदर के पास वो फैक्टर जो था वो प्रेजेंट नहीं था। जो बेबी अपने पास हुआ, फीटस हुआ, उसके पास वो फैक्टर प्रेजेंट था। अब जब वो बेबी वुम में ग्रो कर रहा है, ग्रो कर रहा है, ग्रो कर रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, वो आराम से बैठा हुआ है, दोनों का ब्लड आराम से सेपरेटेड है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आ रही है। लेकिन जब डिलीवरी होगी उस टाइम पर क्या होगा, पहले तो अपना जो दोनों का ब्लड था वो सेपरेटेड था, प्लेसेंटा ने दोनों को सेपरेट कर रखा था, दोनों को सेपरेट कर रखा था। अब क्या होगा, डिलीवरी के टाइम पर जो ब्लड बेबी का ब्लड है वो मैटरनल ब्लड से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत टच हो जाएगा, मिल जाएगा वहां पर। अगर मिल जाएगा उस केस के अंदर अपने पास स्मॉल अमाउंट में, अब क्या होगा, अब देखो जैसे ही अपने पास, पहले ये क्या थी, ये थी हमारी मदर जो कि क्या है, जो है आरएच नेगेटिव, ये है हमारा बेबी, बेबी क्या है आरएच पॉजिटिव, इसके पास वो फैक्टर प्रेजेंट है, इसके पास वो फैक्टर प्रेजेंट नहीं है। अब क्या हुआ, दोनों को मैंने प्लेसेंटा से सेपरेट कर रखा था, बेबी अच्छा खासा हो रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। अब डिलीवरी के टाइम पर क्या हुआ, यहाँ पर क्या होगा, दोनों का ब्लड क्या होगा, मिक्स होगा, मिक्स होगा। चलो ठीक है, अगर मिक्स होगा इस केस में तो मदर की बॉडी क्या डिटेक्ट करेगी, उड़ी बाबा यहाँ पर तो पॉजिटिव कुछ फैक्टर मेरे अंदर आया, तो ये जो ब्लड हल्का सा मिक्स हुआ उसको मदर की बॉडी क्या करवा देगी, उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनवा देगी, उसके खिलाफ क्या बनवा देगी, एंटीबॉडी बनवा देगी। अगर एंटीबॉडी अपने पास यहाँ पर बनवा देगी तो उन एंटीबॉडी को बाद के लिए भी वो एंटीबॉडी मदर की बॉडी में रह जाएंगी। अब क्या होगा, अब मान लो अपने पास क्या हुआ, मदर ने एंटीबॉडीज बनवा दी आरएच एंटीजन के खिलाफ। अब क्या होगा, अब दूसरी प्रेगनेंसी हुई, दूसरी प्रेगनेंसी के टाइम पे मान लो बेबी क्या है, बेबी आरएच पॉजिटिव पैदा हो गया, दूसरा बेबी भी आरएच पॉजिटिव, पहले वाले को तो दिक्कत आई नहीं थी, इसको क्या हुआ, अब इसको दिक्कत आ जाएगी क्योंकि यहाँ पे ये ऑलरेडी एंटीबॉडी इस तरीके के ब्लड ग्रुप के खिलाफ ऑलरेडी बनी हुई थी, तो इसीलिए प्रेगनेंसी के अंदर कॉम्प्लिकेशंस यहाँ पर आ जाएंगे, कॉम्प्लिकेशंस अपने पास यहाँ पर आ जाएंगी। तो एंटीबॉडीज जो हैं, जो ऑलरेडी यहाँ पर प्रेजेंट थी, वो अपने पास क्या होगा, इस कैन डिस्ट्रॉय फीटल आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं, ये फैटल हो सकता है, अनेमिक हो सकता है, जॉन्डस कर सकता है, और इसी को हम कहते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस।
अपना जो फीटस है उसके अंदर क्या हो गया, इरिथ्रो काइंड ऑफ ब्लड कह लो, और उसकी वजह से ब्लास्ट हो गया। ऐसे याद रखो, ब्लड की वजह से ब्लास्ट हो गया। तो फर्स्ट बेबी में तो कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगी, लेकिन सेकेंड बेबी के अंदर कॉम्प्लिकेशंस ज़रूर आएंगे, ठीक है। इसीलिए डॉक्टर क्या करता है वहाँ पे, जैसे ही अपना डिलीवरी हो जाता है उसके बाद NTRH एंटीबॉडीज़ मदर को दे देता है कि ये जो एंटीबॉडी बनी है इनको ख़त्म कर दे, ताकि दूसरा बेबी भी जब हो तब भी मदर की बॉडी को के अंदर एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट हो ही ना। तो जैसे फर्स्ट बेबी के टाइम पे मदर ने काम किया था, वैसे ही अब करेगी, वैसे ही अब करेगी। चलो मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, देखो ये क्या थी, ये थी हम लोगों के पास हमारी मदर, जो कि अपने पास क्या थी, RH पॉजिटिव थी। दिस वॉज आर मदर, ओके। उनका क्या हुआ, दिस वॉज हर फर्स्ट बेबी, ये उनका फर्स्ट बेबी है जो कि अपने पास क्या है यहाँ पर RH नेगेटिव, ओके ओके चलो ठीक है। प्लेसेंटा से ये सेपरेटेड है, कोई दिक्कत नहीं आ रही यहाँ पर, सॉरी दिस विल बी RH नेगेटिव, आई एम सॉरी ये क्या है RH नेगेटिव, ये है RH पॉजिटिव। अब क्या होगा, देखो इस केस के अंदर मदर नेगेटिव है, नेगेटिव है मतलब इसके पास कोई एक पर्टिकुलर फैक्टर है जो इसके पास प्रेजेंट नहीं है, जबकि बेबी के पास वो पर्टिकुलर फैक्टर क्या है, बेबी के पास वो पर्टिकुलर फैक्टर प्रेजेंट है, ठीक है। अब जैसे ही डिलीवरी होगी इसका ब्लड क्या करेगा, मिक्सअप करेगा, मिक्सअप अपने पास करेगा, तो इस केस के अंदर अपने पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस केस के अंदर हम लोगों के पास यहाँ पे सीधी सी बात है उसके खिलाफ कुछ एंटीबॉडीज बनेंगी। ये बेबी तो तब तक डिलीवर हो जाएगा। अब सेकंड प्रेगनेंसी अगर हुई, सेकंड प्रेगनेंसी के टाइम पर भी RH पॉजिटिव बेबी हुआ, उसके खिलाफ मदर की बॉडी के अंदर ऑलरेडी एंटीबॉडीज बनके पड़ी हुई हैं, तो वो क्या कर देंगी हम लोगों के पास, इस बॉडी, इस बेबी को किल कर सकती हैं, ये बॉडी के, इस बेबी के अंदर मर सकता है, ये बेबी क्या कर सकता है, मर सकता है, ठीक है। अब कुछ लोग के दिमाग में आ रहा होगा, मान लो दी इसका ऑपोजिट हो, मदर RH पॉजिटिव हो, बेबी जो है वो नॉट बॉडी दैट्स बेबी, बेबी अपने पास नेगेटिव हो, तब क्या होगा, देखो अगर ये पॉजिटिव है इसका मतलब इसके पास वो पर्टिकुलर फैक्टर प्रेजेंट है, ठीक है, और ये नेगेटिव अपने पास यहाँ पर है इसका मतलब उसके पास वो पर्टिकुलर फैक्टर जो है वो प्रेजेंट नहीं है। अपने पास यहाँ पर क्या हुआ, प्लेसेंटा से जुड़े हुए थे, डिलीवरी के टाइम पर अब की बार एंटीबॉडीज कहाँ पर बनेंगी, अब की बार एंटीबॉडीज बनेंगी बेबी के अंदर। अगर एंटीबॉडीज बेबी के अंदर बनेंगी तो दूसरे बेबी में तो कॉम्प्लिकेशन आएगी नहीं ना, क्योंकि एंटीबॉडीज तो बेबी करवा गया ना, बेबी को दूसरा बेबी थोड़ी होगा, तो इस केस में कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगे, सीधी सी बात है। ऐसा तो है नहीं कि दूसरी डिलीवरी बेबी को होने वाली है, दूसरी डिलीवरी भी मदर को ही होगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। डन, समझ गए, चलो ग्रेट यार, ग्रेट, आ गया इतना समझ में, यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर, बिल्कुल अच्छे से सब चीज़ें क्लियर अच्छे से आ गई सबको समझ में, जोश के साथ एक बार मुझे बता दो फटाफट से, एक बार जोश के साथ बता दो। उसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉग्युलेशन ऑफ ब्लड, ब्लड का कॉग्युलेशन। चलो देखो, ब्लड कॉग्युलेशन के अंदर अपने पास क्या होगा, मान लो मुझे यहाँ पर कोई इंजरी हो गई, कोई ट्रॉमा मेरे पास यहाँ पर हो गया, ठीक है। अब इंजरी मेरे पास होते ही ब्लड यहाँ से बहेगा, ब्लड अगर यहाँ से अपने पास बहेगा तो कोई कॉग्युलेशन की मैकेनिज्म स्टार्ट होती है। जैसे ही यहाँ से, सभी लोग अपने हाथ पे मार के देखो, कट मार के देखो, देखना एकदम से कॉग्युलेशन, कॉग्युलेट होना स्टार्ट हो जाएगा, एक डार्क रेडिश ब्राउन स्कम यहाँ पर होगा, इसका मतलब अपने पास यहाँ पे क्लॉट बन गया, वो चीज कॉग्युलेट हो गई। यहाँ पे क्या होते हैं, कुछ फाइबर से बन जाते हैं, और डेड एलिमेंट्स, जितने भी डेड फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं वो यहाँ ट्रैप हो जाते हैं और कुछ फाइबर से अपने पास बन जाते हैं, नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स कॉल्ड एज फिब्रिन्स, वो इस ब्लड यहाँ पे अगर ब्लड बह रहा हो तो उसको क्या कर देते हैं, क्लॉटिंग।
सबको पता है इसके बारे में, मुझे इसमें कुछ भी याद करवाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ओके, तो इंजरी या फिर ट्रॉमा अपने पास हो तो उस केस के अंदर क्या होगा, यहाँ पर होगी कॉगुलेशन मैकेनिज्म, डार्क रेडिश ब्राउन स्कम हम लोग के पास क्या करेगा, क्लॉट करेगा, या कॉगुलेशन अपने पास यहाँ पर होगा, उस केस के अंदर अपने पास यहाँ पर क्या हुआ, फिब्रिन्स, नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स बनेंगे जिनको फिब्रिन्स अपन कहते हैं, डेड एंड डैमेज्ड फॉर्म्ड एलिमेंट्स आर ट्रैप्ड, यहाँ पे डेड और डैमेज्ड एलिमेंट्स ट्रैप हो जाते हैं, ये तो सबको याद है। तो क्या होता है एक्चुअली क्या होता है, जो इनएक्टिव फिब्रिनोजन है, देखना ध्यान से देखना, इनएक्टिव फिब्रिनोजन किस में कन्वर्ट होगा, फिब्रिन में कन्वर्ट होगा, करेगा कौन उसको, करेगा उसको थ्रोम्बिन, लेकिन थ्रोम्बिन भी थ्रोम्बिन की फॉर्म में प्रेजेंट नहीं था, प्रोथ्रोम्बिन की फॉर्म में प्रेजेंट था, और प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कौन कन्वर्ट करता है, थ्रोम्बोकाइनेज, काइनेज का मतलब काटना, और थ्रोम्बिन है तो थ्रोम्बो को काटने वाला हो गया, तुम लोगों को याद, क्या होगा असल में, कुछ फाइबर्स यहाँ पर बन जाते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं मेरे पास, यहाँ पे फाइबर्स बन जाते हैं, तो अपने पास यहाँ पर क्या हुआ, इनएक्टिव फिब्रिनोजन किसके अंदर कन्वर्ट करेगा, फिब्रिन के अंदर कन्वर्ट करेगा, इसको कन्वर्ट कौन कर रहा है, इसको थ्रो कर रहे हैं, यहाँ पे खून निकल रहा था, फाइबर्स थ्रो कर दिए हमने यहाँ पे, थ्रोम्बिन उसको थ्रो करेगा, थ्रोम्बिन अपने पास हो गया, लेकिन हर टाइम थ्रो थोड़ी ना करना था, वो किसके अंदर प्रेजेंट था, अपने पास प्रोथ्रोम्बिन की फॉर्म में प्रेजेंट था, जिसको अपन काट कन्वर्ट किसमें करते हैं, किसकी हेल्प से, थ्रोम्बोकाइनेज की हेल्प से, ठीक है, डन। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है कैस्केड प्रोसेस, इन्वॉल्विंग नंबर ऑफ फैक्टर्स प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इन एन इनएक्टिव स्टेट, बहुत सारे फैक्टर्स इनएक्टिव स्टेट में प्लाज्मा में पड़े होते हैं, उनको ये इन्वॉल्व करता है, दिस इज टर्म्ड एज कैस्केड, वन बाय वन, एक के बाद एक, एक के बाद एक, कैस्केड, कैस्केड प्रोसेस। क्या सभी लोगों को समझ में आ गया किस तरीके से हम लोग की क्लॉटिंग होती है? तो कोई भी इंजरी हमें हो जाए या फिर ट्रॉमा हो जाए, ठीक है, कोई भी इंजरी हमें हो जाए, ट्रॉमा हो जाए, वहाँ पर कॉगुलेशन अपने पास होती है, रेडिश ब्राउन कलर का एक स्कम बन जाता है, कैसे बनता है, अपने पास फिब्रिनोजन किस में कन्वर्ट हो रहा है, फिब्रिन में कन्वर्ट हो रहा है, कन्वर्ट कर कौन रहा है, थ्रोम्बिन उसको कन्वर्ट कर रहा है, जो कि पहले किस फॉर्म में प्रेजेंट था, प्रोथ्रोम्बिन की फॉर्म में प्रेजेंट था, और उसको कौन कर रहा था, यहाँ पे थ्रोम्बोकाइनेज कर रहा था। इसको कहते हैं कैस्केड प्रोसेस। ओके, तो अब अपने पास क्या हो गया, जहां भी इंजरी हुई, ट्रॉमा हुआ, प्लेटलेट्स अपने पास वहां पे जाके कॉगुलेट कर देंगी, और भी काफी सारे फैक्टर्स अपने पास वहां पर प्रेजेंट होते हैं जो कॉगुलेशन करवाते हैं, और भी काफी सारे फैक्टर्स हम लोग के वहां पर प्रेजेंट होते हैं। या चेन ऑफ रिएक्शन, कैस्केड, डन। समझ आ रहा है तुम्हें? कुछ नहीं आ रहा, ओके। लिम्फ, अब अपने पास है लिम्फ। लिम्फ जैसे ब्लड के बारे में अपन ने बात करी, ऐसे अपने पास एक क्या होता है, टिश्यू फ्लूइड, लिम्फ। तो लिम्फ अपने पास क्या होता है, ब्लड, वाटर और कुछ स्मॉल वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस, वो क्या करते हैं, वो बाहर निकल गए। तुम खुद बताओ, मान लो यहाँ से इसमें भी, इस कैपेलरी में, इस आर्टरी में भी अपना ब्लड जा रहा था, इसमें भी अपना ब्लड जा रहा था, अब क्या है, अब हम लोगों के पास इस, ये दोनों आपस में कुछ ना कुछ तो प्रेजेंट होगा ना इन दोनों के बीच में, ऐसा थोड़ी है ये जस्ट एक दूसरे के ऊपर बैठी होती हैं, ऐसे तो घिस जाएंगी, यहाँ बीच में भी कुछ प्रेजेंट होगा, तो उस वहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, वहाँ पर लिम्फ प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो आउट इन द स्पेसेस बिटवीन द सेल ऑफ टिश्यूज लिविंग लार्ज प्रोटीन्स एंड मोस्ट ऑफ द फॉर्म्ड एलिमेंट्स इन ब्लड वेसल्स, ये क्या होता है, उन दोनों के बीच का फ्लूइड, इंटरस्टीशियल फ्लूइड, दो चीजों के बीच के फ्लूइड को क्या बोला जाता है, दो चीजों के बीच के फ्लूइड को बोला जाता है इंटरस्टीशियल फ्लूइड, ठीक है। तो फ्लूइड या फिर टिश्यू फ्लूइड कहते हैं जिसको, या फिर इंटरस्टीशियल फ्लूइड हम लोग कहते हैं,
इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं या फिर टिश्यू फ्लूइड। मैंने सीधा सीधा बता दिया अपने पास सेल यहाँ पर प्रेजेंट है, ऐसे तो ये घिस जाएंगे, बीच में भी कुछ फ्लूइड यहाँ पे प्रेजेंट अपने पास होगा, तो उसको क्या हो गया अपने पास यहाँ पे, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। डन, यहाँ तक अपना पहला पोर्शन खत्म हो गया। अब इस चैप्टर का दूसरा, अब इस चैप्टर का दूसरा पोर्शन अपने पास आता है, एंड दैट इज सर्क्यूलेटरी पाथवे। ठीक है, सर्क्यूलेटरी पाथवे, सर्क्यूलेटरी पाथवे अपने पास दो तरीके के होते हैं। एक होता है ओपन, ओपन का मतलब ऐसे ही नदियां बह रही हैं, खुली नदियां बह रही हैं, ओपन। क्लोज का मतलब क्या होगा, जैसे अपने अंदर क्लोज होता है, बिल्कुल अपनी आर्टरीज में से, वेन्स में से पास होके जाता है, तो ओपन क्या हो गया, ओपन हम लोग के पास हो गया। क्लोज क्या हो गया, बंद हो गया हम लोग के पास, जैसे अपने एनालिडा में और अपने कॉर्डेट्स के अंदर। ठीक है, किस किस के अंदर, अपने पास एनालिड्स के अंदर और कॉर्डेट्स के अंदर, इनके अंदर क्लोज्ड नेटवर्क होता है। और ऑफ कोर्स कोई चीज क्लोज्ड है, सिस्टमैटिक है, तो उसकी एडवांटेजेस तो ज्यादा होंगी, सीधी सी बात है, उसकी एडवांटेजेस ज्यादा होंगी। तो अपने पास यहाँ पर क्या हो गया, क्लोज्ड। क्लोज्ड किस किस में होता है, एनालिड्स में, कॉर्डेट्स में, क्लोज्ड सिस्टम अपने पास होता है, क्लोज्ड नेटवर्क्स यहाँ पर होते हैं, ज्यादा एडवांटेजेस इसकी होती है। दूसरा हम लोग के पास है ओपन, ओपन किस में होता है, आर्थ्रोपोड्स में, अपने कीड़े मकोड़ों में मार के चलो, दूसरा अपने मोलस्का के अंदर, इनके अंदर क्या होता है, हर्ट तो होगा, ऑफकोर्स हर्ट तो होगा, लार्ज वेसल्स होती हैं, ओपन स्पेसेस, ओपन कैविटीज, साइनसेस, ओपन कैविटीज यहाँ पर होंगी, तो ये क्या हो गया अपने पास, ओपन सर्कुलेटरी पाथवे। दो पाथवे अपने पास हो गए, क्या क्या पाथवे हो गए, वन इज द ओपन सर्कुलेटरी पाथवे, अनदर वन इज द क्लोज्ड सर्कुलेटरी पाथवे। क्लोज्ड सर्कुलेटरी पाथवे किस किस के अंदर होगा, एनालिडा के अंदर, कॉर्डेट्स के अंदर। ओपन किस किस के अंदर होगा, आर्थ्रोपोड्स में, दूसरा मोलस्क के अंदर, तीसरा आर्थ्रोपोड्स और मोलस्क, दो ही हो गए। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, ओपन साइनसेस, ओपन खुली नदियां बह रही हैं, और यहां पर क्या होगा, क्लोज्ड। तो क्लोज्ड अपने पास है तो सिस्टमैटिक होगा, सिस्टमैटिक होगा। डन, अब देखो वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं वन बाय वन करके। यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी, एंड जिसने उस क्वेश्चन का आंसर दे दिया, इसका मतलब है कि वो सच में काफ़ी ज़्यादा एनालाइज करके चीज़ों को करता है, काफ़ी ज़्यादा एनालाइज करके चीज़ों को करता है। अगर मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पूछा और तुमने बता दिया, पहले बातें सुन लो मेरी, उसके बाद देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले मेरी बातें क्या हैं, फिशेस, फिशेस के अंदर क्या होता है, टू चैम्बर्ड, दो चैम्बर्ड, क्या एक एट्रिया होगा, एक वेंट्रिकल होगा, नो इश्यूज एट ऑल। दूसरा क्या होता है, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, सिर्फ क्रोकोडाइल्स को छोड़ के, उनके अंदर दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, इनके अंदर क्या होगा अपने पास यहाँ पे, दो, तीन, दो एट्रिया, एक वेंट्रिकल। फिर क्रोकोडाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स, इनके अंदर क्या होगा, चार चैम्बर, दो एट्रिया, दो वेंट्रिकल, दो एट्रिया, दो वेंट्रिकल। ठीक है, सबसे पहले फिशेस, फिशेस के अंदर अपने पास क्या होता है, फिशेस के अंदर यार मतलब पहले दो चैम्बर, फिर क्या आए होंगे, तीन आए होंगे, फिर क्या आए होंगे, चार आए होंगे, फिशेस के अंदर दो, फिर फिशेस के बाद तुम खुद सोच कर देखो, सबसे पहली चीज पानी में तैर रही है, पानी के बाद आधी पानी में आई, आधी पानी में ही रह गई, तो इसीलिए अपने पास यहाँ पर क्या हो गया, एम्फीबियंस, साथ में वहीं पर उसी के किनारे, बीच के किनारे ही रेंग रेंग कर चल रही है रेप्टाइल्स। फिर अपने पास क्या आ गए, फाइनल अपने पास आए इंसान और हवा में उड़ने वाले, तो बर्ड्स एंड मैमल्स। याद करना बहुत आसान होता है, तुम लोग मान के चलो एक बीच पे तुम गए हो, बीच पे जो चीज बिल्कुल पानी में है उसमें सिर्फ दो चैम्बर, उसके बाद कुछ आधी पानी में है और उस बीच के आसपास ही रेप्टाइल्स रेंग रेंग के जा रही हैं, तो उस केस के अंदर अपने पास वहां पर क्या हो गया, उस केस के अंदर थ्री चैम्बर। और फिर जो हम हैं इंसान लोग और जो ऊपर उड़ रहे हैं वो क्या हो गए, उनके अंदर अपने पास क्या आ गया, चार चैम्बर। क्रोकोडाइल इज द एक्सेप्शन, क्रोकोडाइल एक्सेप्शन है। ठीक है, रुको सुनो, अभी अभी पूछूंगी क्वेश्चन, अभी पूछूंगी। फिशेस देखो, अब फिशेस के अंदर क्या होता है, टू चैम्बर हर्ट है, एक एट्रिया है, एक वेंट्रिकल है। ओके, सबसे पहले क्या आया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आते हैं हम लोग। सबसे पहले ये मान लो मेरे थे गिल्स, फिशेस में क्या होता है, गिल्स, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। ओके, इसको इसने क्या कर दिया, ऑक्सीजनेट कर दिया, कर दिया ऑक्सीजनेट। अब क्या करेगा, अब बॉडी पार्ट्स के पास जाएगा ना, पहले तो ये रहा, रुको, गिल्स
ये हार्ट और ये बॉडी के पार्ट्स। इसके पूछूंगी अभी, क्वेश्चन पूछूंगी, रुको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मजा आएगा तुमको। देखो सबसे पहले अपने पास क्या हुआ, बॉडी पार्ट्स ने गिल्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पर आया, बॉडी पार्ट से नहीं आएगा यार, मैं क्या कर रही हूँ, बॉडी पार्ट से नहीं आएगा। सबसे पहले अपने गिल्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ओके। डीऑक्सीजनेटेड जो मेरे से पहले पढ़ चुका है वो मत बताओ यार, मैं थप्पड़ मारूंगी तुम लोगों को। गिल्स से अपने पास कहाँ पर ऑक्सीजनेट होकर कहाँ चला गया, बॉडी पार्ट्स में, ओके। अब क्या होगा, बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आ जाएगा, हार्ट से गिल्स में, ऐसा सिस्टम हो रहा है। और क्या हम लोग के पास गिल्स से भी ब्लड एक ही बार पास कर रहा है, हार्ट से भी एक ही बार पास कर रहा है, बॉडी पार्ट से भी एक ही बार, क्या अपने पास ये सिंगल सर्कुलेशन हुई, क्या हम लोग के पास ये सिंगल सर्कुलेशन हो गई, एक ही बार सर्कुलेशन यहाँ पे हो रही है। ऑक्सीजनेटेड नहीं जाता, डीऑक्सीजनेटेड जाता है, डीऑक्सीजनेटेड क्या है, देखो देखो ध्यान से देखो, अपने पास यहाँ पर क्या है, बिल्कुल आसान है। सबसे पहले क्या है, ये मेरा है यहाँ पर हर्ट, दीज आर माई गिल्स, दीज आर माई बॉडी पार्ट्स, ठीक है। तो अपने गिल्स से ऑक्सीजनेट होकर कहाँ गया, सबसे पहले बॉडी पार्ट्स यूज करेंगे ना, उसके बाद बॉडी पार्ट्स के बाद हर्ट में आएगा, वहाँ पे डीऑक्सीजनेट होने के बाद, और फिर ये यहाँ चला गया। तो सिंगल सर्कुलेशन अपने पास है, ठीक है, ओके ओके। दूसरा हम लोग के पास क्या है, एम्फीबियंस या फिर रेप्टाइल्स। अब की बार अपने पास क्या है, दो एट्रिया और एक वेंट्रिकल, तो इसके अंदर अपने पास क्या होगा, गिल्स या फिर लंग या फिर स्किन से, इधर से अपने पास से क्या आया, ब्लड ऑक्सीजनेट होके आया, बाकी बचे हुए पार्ट से डीऑक्सीजनेट होके आया, एक लेफ्ट एट्रियम में एक राइट एट्रियम में, लेकिन एट लास्ट वेंट्रिकल में जाकर तो ये मिक्सअप ही हो जाएगा ना, मिक्स्ड ब्लड बन जाएगा हम लोग के पास। तो क्या ये एक तरीके से डबल बनने की इसने कोशिश तो की, लेकिन ये इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन है, क्या ये इनकम्प्लीट है, सीधी सी बात है यार, पहले क्या होगी सिंगल, लास्ट में क्या होगी डबल, बीच वाली बीच की, ना तो सिंगल ना डबल, इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट। तो इसके अंदर क्या होगा, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। और बर्ड्स और मैमल्स के अंदर क्या होता है, अपने अंदर क्या होता है पता ही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट साइड से, राइट एट्रिया से आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रिया से, लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में, ये वाला पोर्शन ऑक्सीजनेटेड का, ये वाला पोर्शन डीऑक्सीजनेटेड का, कोई भी मिक्सिंग यहाँ पर नहीं हो रही, कैसा सर्कुलेशन है, डबल सर्कुलेशन, ठीक है। तो मैंने क्या क्या बोला, सबसे पहले फिशेस के अंदर सिंगल सर्कुलेशन, नेक्स्ट अपने पास क्या थे, नेक्स्ट हम लोग के पास फिशेस के बाद, फटाफट से बताओ फिशेस के बाद अपने पास क्या था, फिशेस के बाद रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस, उनके अंदर इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, और मैमल्स के अंदर और अपने बर्ड्स के अंदर क्या होता है, डबल सर्कुलेशन, ओके ओके, ठीक है। एक बात बताओ, अब एक बात बताओ, क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सिंग ऑफ ब्लड डू नॉट ऑकर, क्या फिशेज में मिक्सिंग ऑफ ब्लड होता है, हाँ ना बोलते जाना फटाफट से, वन बाय वन करके पूछते जाऊंगी, क्या फिशेज में मिक्सिंग ऑफ ब्लड होता है, यस और नो, यस और नो, क्या उसके बाद रेप्टाइल्स में मिक्सिंग ऑफ ब्लड होता है, यस और नो, और उसके बाद बर्ड्स एंड मैमल्स के अंदर क्या मिक्सिंग ऑफ ब्लड होता है, यस और नो, दिस इज माय क्वेश्चन। फिशेस के अंदर क्या मिक्सिंग ऑफ ब्लड होता है, सभी लोग, मैक्सिमम लोग, जो लोग मेरे से पहले पढ़ चुके हैं वो लोग तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग क्या कह रहे हैं यहाँ पर, हाँ कह रहे हैं, मुझे हाँ दिख रहा है यहाँ पर फिशेस के मामले में, हाँ। तो फिशेस के मामले में कोई मिक्सिंग ऑफ ब्लड नहीं होता, क्योंकि फिशेस में मैंने क्या बोला था कि फिशेस के हार्ट में से सिर्फ और सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पास करता है, कोई मिक्सिंग वहां पर नहीं हो रही है, सिर्फ और सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वहां से पास कर रहा है। प्लीज डू पे अटेंशन, इस चीज को हमेशा याद रखना, हमसे सर ने पूछा था और हमने इसको गलत किया था, ठीक है, डन।
याद रखना यही चीज़ मुझे तुम लोगों से पूछनी थी, हमने इस चीज़ को गलत किया था, मतलब इसके ऊपर उतना ज़्यादा ध्यान जनरली देते नहीं हैं, हमने भी नहीं दिया था, तुम भी नहीं देते होगे, दिया होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया होगा तो और भी अच्छी बात है, अब दे लेना, अब याद रहेगा. ओके सो शैल आई स्टार्ट विद द ह्यूमन सर्क्यूलेटरी सिस्टम. ह्यूमन सर्क्यूलेटरी सिस्टम स्टार्ट करें हम अब. ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम. यार मुझे कोई पानी दिलवा दो यार, मेरे घर वालों कह दो यार पानी दे देंगे मुझे. कोई है क्या? खैर हम अपना ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट करते हैं, अदरवाइज अपने को कंप्लीट भी करना है, कंप्लीट अपना नहीं हो पाएगा. चलो स्टार्ट करते हैं. अपने पास ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम हम लोग के पास क्या होगा? ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम हम लोग का है ब्लड वैस्कुलर सिस्टम. ब्लड वैस्कुलर सिस्टम के अंदर अपने पास क्या होता है? ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम. हमारे ह्यूमन के सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होगा? एक मस्क्यूलर चैम्बर्ड हर्ट. मेरे पास क्या होता है? एक हर्ट होता है, साथ में काफी सारी नर्व्स, काफी सारी वेसल्स, नर्व्स मती कहना, वेसल्स कहना, अपने पास एक क्लोज्ड नेटवर्क पूरी की पूरी मेरी बॉडी के अंदर फैला होता है. क्या यही मेरा सर्कुलेटरी सिस्टम है? क्या इसी को हम लोग ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं? तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम या फिर ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, एक मेरा क्या है? हर्ट है. बाकी सारी जगह पर नेटवर्क ऑफ क्लोज्ड ब्रांचिंग ब्लड वेसल्स एंड ब्लड मेरी पूरी बॉडी में फैला हुआ है. तो हर्ट के बारे में थोड़ा सा बता दो पहले. देखो यार हर्ट क्या होता है? हम लोगों के पास बीच में हमने छुपा के रखा है, बीच में हमने छुपा के रखा है मीजोडर्मली डायरेक्ट, मीजो बीच में छुपा के रखा है. ठीक है, ओके. क्या थोरेसिक कैविटी में है? लंग्स के बीच में है. क्या दोनों लंग्स के बीच में है? हाँ जी, थोरेसिक कैविटी में है. हाँ जी, बिटवीन द टू लंग्स. एंड इट इज स्लाइटली टिल्टेड टू लेफ्ट. एंड साइज इसका कितना होता है? एक बंद मुट्ठी जितना. क्लेंच्ड फिट बोल रही हूँ. साइज ऑफ अ क्लेंच्ड फिस्ट. गॉट इट? क्या हर्ट सभी लोगों को पता है यार? क्या याद करवाऊँ इसमें? इसमें याद करने का सिर्फ ये है कि ये मीजोडर्मली डराइव्ड होता है, थोरेसिक कैविटी में होता है. ठीक है, थोरेसिक कैविटी में अपने पास होता है, राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों साइड लंग्स के बीच में है, और स्लाइटली लेफ्ट टिल्टेड अपने पास होता है, एक बंद मुट्ठी जितना होता है. दैट्स इट, ये तुम्हें पता है मुट्ठी जितना होता है दीदी? यही हमारा तो 50 बार टूटता रहता है. ठीक है, तो ये क्या है आप लोगों का? दिस इज योर हर्ट, अमार हर्ट. ओके चलो, तो अब पता ही है तुम लोगों को कितनी बार टूटता रहता है. अगर इतनी बार टूटता रहता है तो इसको कवर करवा के रखते हैं. दिल को क्या कहा जाता है? कार्डियम. तो उसके बाहर जो चीज़ होगी जो उसको कवर कर रही होगी उसको क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा पेरिकार्डियम, जो उसके बाहर उसकी कवरिंग बनवा रहा होगा. अब सिंगल कवरिंग से तो काम चलेगा नहीं, हम इंडियंस तो लॉक को भी 2 बार चेक करते हैं, इतने मिडिल क्लास हैं हम आधे कामों में तो, है ना, 2 बार चेक करते हैं. अरे कहीं हमने गलत तो नहीं कर दिया? मैं तो 4 बार चेक करती हूँ. खोल के देख, रक्षित देखियो, मम्मी देखना ठीक है कि नहीं है. ठीक है, तो प्रोटेक्टेड बाय डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन से प्रोटेक्टेड होता है एनक्लोजिंग द पेरिकार्डियल फ्लूइड. तुम खुद बताओ अगर यहाँ पे ये अपने पास क्या है? ये हम लोग के पास एक मेम्ब्रेन है, ये हमारे पास दूसरी है, तो आपस में ये घिसेंगे तो इसके अंदर अपने को क्या डालना पड़ेगा? फ्लूइड डालना पड़ेगा. तो अपने पास यहाँ पे क्या हो गया? पेरिकार्डियल फ्लूइड हम लोग को डालना पड़ेगा. दैट्स इट. तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया? हर्ट को किससे कवर्ड रखते हैं? पेरिकार्डियम से. पेरिकार्डियम से अपन की क्या होती है? डबल वॉल्ड हम लोग के पास होती है, इनके बीच में फ्लूइड होता है, एंड दैट इज पेरिकार्डियल फ्लूइड. ठीक है, अमार हर्ट, अमार पेरिकार्डियम. नेक्स्ट है, अब कवरिंग भी बनवा ली, चलो ग्रेट, ओके. ये था मेरा हर्ट, इसकी मैंने कवरिंग भी बनवा ली, डबल कवरिंग बनवा ली, ओके. अंदर क्या है? अंदर मेरा हर्ट है, हर्ट के अंदर कुछ चैम्बर्स मेरे पास यहाँ पर प्रेजेंट हैं बड़े. ये दिल बनाने के बाद ना जो तुम वो ले रहे हो ना यहाँ पे मज़े दिल बनाने के, लो बदल दिया. ठीक है, तो अपने पास यहाँ पर क्या है? हम लोगों के पास यहाँ पर हैं दो एट्रिया, दो
वेंट्रिकल, ऊपर दो एट्रिया, नीचे दो वेंट्रिकल। जब एनसीईआरटी इन डिटेल्स को भी लिखती है ना, यहाँ पे हर चीज़ को लिखने के बाद कि फोर सर्कुलेट सॉरी डबल सर्कुलेशन अपने पास होता है, चार चैम्बर्स होते हैं, उसके बाद फिर से एक्सप्लेन करती है, मेरा इतना गुस्सा आता है ना मुझे कि क्या कर रहे हो, अभी अभी तो बताया था। अब देखो बहुत आसान है यार हर्ट, मुझे तो समझ ही नहीं आता कैसे पढ़ाऊँ तुम लोगों को, शर्म आती है मुझे पढ़ाते हुए भी, ठीक है। ओके देखो, अपने पास दो एट्रिया हैं, दो एट्रिया के बीच में अपने पास उनके बीच में जो सेप्टम होगा, उस सेप्टम को क्या बोला जाएगा, इंटर एट्रियल सेप्टम। इंटर एट्रियल सेप्टम मस्क्यूलर वॉल मेरे पास यहाँ पर होती है, जो कि लेफ्ट और राइट एट्रिया को क्या कर रही होती है, सेपरेट। एट्रिया के बीच में है तो इंटर एट्रियल सेप्टम होगा, वेंट्रिकल्स के बीच में अगर है तो इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम होगा, अगर एट्रिया और ये वेंट्रिकल्स के बीच में, अगर एट्रिया और वेंट्रिकल, दिस इज एट्रिया दिस इज वेंट्रिकल, एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में होगा तो एट्रियो वेंट्रिकुलर सिस्टम होगा, सॉरी सेप्टम होगा। दैट्स इट That's all about atrioventricular septum and all the septums, right? तो अपने पास यहाँ पर क्या हो गया, thick fibrous टिश्यू ये होता है, ये हम लोग के पास क्या होता है, दिस इज़ अ थिक फाइब्रस टिश्यू, ऑफ कोर्स इसको थिक फाइब्रस टिश्यू अपने को रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग के पास क्या है, यहाँ पे हम लोग के पास ब्लड इधर से इधर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे तो वजन बना हुआ है ना पूरा, इसका इसके ऊपर उतना वजन नहीं बना हुआ, लेकिन इसका इसके ऊपर वजन बना हुआ है, अगर इसका वजन अपने पास यहाँ पे बना हुआ है, तो इस केस के अंदर हम लोग के पास क्या हो गया, इस केस के अंदर इसको थोड़ा सा टाइट होना पड़ेगा, थिक फाइब्रस। डन। तो अपने पास यहाँ पे क्या हो गया, ट्राइकस्पिड वॉल, दूसरी अपने पास क्या हो गई, बाइकस्पिड या फिर मिट्रल वॉल। समझ में आ गया ना यार, इसमें कुछ है ही नहीं, मैं क्या बताऊँ, इसके अंदर दो एट्रिया के बीच में है तो इंटर एट्रियल सेप्टम, दो वेंट्रिकल्स के बीच में है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में है एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। दैट्स इट। डन। ओके चलो। ओके देखो, अब क्या होगा, अब तुमने बोला ये बनाया तुमने हर्ट, चलो अब हर्ट अच्छे से बनाते हैं शांति से, ये है मेरा एट्रिया, ये है मेरा एट्रिया, ये है मेरा वेंट्रिकल, ये है मेरा वेंट्रिकल, इस सेप्टम को क्या बोलेंगे, इंटर एट्रियल सेप्टम, इस सेप्टम को क्या बोलेंगे, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, इस वाले सेप्टम को क्या बोलेंगे, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। ओके अब क्या तुम लोगों को नहीं लगता कि इसमें से अगर मुझे ब्लड इधर पास करवाना है तो यहाँ कोई ना कोई जगह होनी चाहिए थी, तो इसका मतलब यहाँ पे एक जगह होती है और यहाँ पर भी एक जगह होती है जिस पे हम लोग यहाँ पे फिटिंग कर देते हैं एक वॉल्व की, तो यहाँ एक वॉल्व हम लोग लगा देंगे। तो दो वॉल्व होती हैं हमारे पास, कौन कौन सी, एक होती है हम लोग के पास ट्राइकस्पिड, एक होती है हम लोग के पास बाइकस्पिड, लेफ्ट साइड में बाइकस्पिड, राइट साइड में ट्राइकस्पिड, लेफ्ट साइड में बाइकस्पिड, राइट साइड में ट्राइकस्पिड, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पे क्या हो गया, बाइकस्पिड का दूसरा नाम क्या होता है, बाइकस्पिड का दूसरा नाम होता है मिट्रल, तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज बाइकस्पिड, दिस इज व्हाट, दिस इज ट्राइकस्पिड। अब तुम लोग एक बार खुद बताओ, ट्राइकस्पिड का मतलब, ट्राई मतलब तीन, तीन कस्प होंगे इसके अंदर, बाइकस्पिड का मतलब दो, इसके अंदर भी क्या होते हैं, दो कस्प होते हैं, दो कस्प, राइट। तो अपने पास ये क्या होता है यार, ट्राइकस्पिड दिस इज बिटवीन द राइट एट्रियम एंड द राइट वेंट्रिकल, एंड द बाइकस्पिड दैट इज बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल। सारा डायग्राम फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। अपने पास क्या होता है यार, ये हम लोगों का हर्ट, हर्ट के बाहर होती है एक डबल कवरिंग जिसको कहा जाता है पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम के बीच में होता है एक फ्लूइड, उस फ्लूइड का नाम होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड, उसके अंदर होते हैं चैम्बर्स, एट्रिया वेंट्रिकल्स, दो एट्रिया के बीच में इंटर एट्रियल सेप्टम, दो वेंट्रिकल्स के बीच में इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, और ये अपने पास यहाँ पर क्या होगा, इनके अंदर ब्लड पास होगा, यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, वॉल्व प्रेजेंट होंगी, इनको बोला जाता है ट्राइकस्पिड, लेफ्ट साइड में बोला जाता है बाइकस्पिड, यहाँ से भी तो ब्लड बाहर पास करवाना है, यहाँ भी वॉल्व होंगी, इसका मतलब उनको बोला जाता है सेमी ल्यूनर, सेमी ल्यूनर, बहुत
बहुत मुश्किलों के साथ मैंने तुम लोगों को ये समझा दिया है, आई गेस तुम लोगों को याद हो गया होगा। याद हुआ कि नहीं हुआ, जोश के साथ बताओ, इसमें है क्या बाबू, इसमें है ही क्या? ठीक है, ओके ओके ग्रेट। तो अपने पास लास्ट क्या होती हैं? सेमी ल्यूनर वॉल्स। सेमी ल्यूनर वॉल्स अपने पास क्या होती हैं? लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल, ये वाली होती है हमारे पास सेमी ल्यूनर वॉल्स, जो कि आगे हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी में और एओर्टा के अंदर खुलेंगी, बैक फ्लो से हम लोग को रोकेंगे। डन। तो अब हार्ट है, हार्ट के लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है? कार्डियक। तो किससे बना होगा? कार्डियक मसल से मिलकर बना होगा। वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल्स आर मच थिकर देन दैट ऑफ द एट्रिया। फाइनली तो इनको ही पंप करके आगे भेजना है ना, इन वेंट्रिकल्स को ही पंप करके आगे भेजना है, यही पंप करके आगे भेजेंगी, तो इसका मतलब क्या हो गया? इनको हमें थिक बनवाना पड़ेगा, थिक बनवाना पड़ेगा। तो ये क्या होती है हम लोग के पास? थिक होती है। डन। ये हमारे पास थिक होती है। ओके ग्रेट, दैट्स ग्रेट। अब अपने पास क्या होते हैं? नोडल टिश्यूज। नोडल टिश्यूज क्या होते हैं? अपना जो मस्क्यूलेचर है उसके अंदर एक पूरा सिस्टम फैला होता है, एक पूरा जाल हमारे पास फैला होता है। कैसे? देखो, ये मेरा क्या था? दिस वॉज माई हर्ट। ओके ग्रेट। यहाँ क्या होगा? इस कोने पे अपने पास होता है एक SA नोड, यहाँ पर अपने पास क्या होता है? AV नोड। फिर अपना बंडल ऑफ हिज परकिंजे फाइबर्स अपने पास हो जाएंगे। ठीक है, तो अपना क्या हो गया? नोडल फाइबर्स होंगे ना। ओके तो अपने पास यहाँ पे क्या हो गया? बंडल्स, यहाँ पे AV, सॉरी दिस वन, अपना SA नोड, अपना AV नोड। ठीक है, और बंडल ऑफ नोडल फाइबर्स, AV बंडल अपने पास होगा, AV बंडल हम लोग के पास होगा, टॉप ऑफ द इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम से निकल के आएगा, एक लेफ्ट बंडल में जाएगा, दूसरा राइट बंडल में, जिसके बाद अपने काफ़ी सारे फाइबर्स बन जाएंगे और उनको कहते हैं परकिंजे फाइबर्स। ये आपको बता देती हूँ डायग्राम की हेल्प से। देखो ये क्या है? दिस इज माई हर्ट। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है? दिस इज SA नोड। ठीक है, ये क्या है हम लोगों के पास? दिस इज AV नोड। ओके, यहाँ से क्या होगा? यहाँ से सिग्नल आया, उसके बाद क्या होगा? इस पे आएगा, दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में, दो वेंट्रिकल्स के बीच में, एक इधर चला जाएगा, एक इस साइड में चला जाएगा, तो इन दोनों को मिलकर क्या कहते हैं? इनको कहते हैं हम लोग परकिंजे फाइबर्स। ठीक है डन डन। आया कि याद हुआ कि नहीं हुआ? ओके ग्रेट। तो अपने पास यहां पर क्या हो गया? SA नोड, AV नोड, SA नोड, AV नोड। चलो ओके, तो अपने पास यहां पर क्या हो गया? SA नोड, AV नोड, SA नोड हम लोग के पास हो गया, AV नोड अपने पास यहाँ पर हो गया, देन अपने पास आगे नोडल फाइबर्स हैं जो कि राइट साइड चले जाएंगे, लेफ्ट साइड चले जाएंगे, और परकिंजे फाइबर्स हम लोग के पास यहाँ पर बन जाएंगे। परकिंजे फाइबर्स हमारे पास बन गए। अब इनकी वजह से क्या होता है? देखो, मेरा हर्ट जो होता है ना, वो ऑटो एक्साइटेबल होता है, अपने आप से एक्साइट होता है। मतलब क्या होगा? SA नोड, सबसे पहले मेरा दिल कितनी बार धड़कता है? अब आधे लोगों को तो गाना है, मेरा दिल भी कितना पागल है ना? ठीक है ओके, देखो अपने पास यहाँ पे कितना है? दिल 72 टाइम्स के आसपास धड़कता है, 70 to 75 बीट्स हर मिनट में। ठीक है, तो आज के बाद बोलना, आज के बाद अपनी बेबी को बोलना कि एक मिनट के अंदर 75 बार धड़कता है तेरे लिए। चलो ओके, तो इतनी बार धड़कता है। SA नोड भी कितनी बार धड़कता है? वो भी इतनी बार धड़कता है। फिर क्या होता है उसके बाद अपने पास क्या हुआ? उसके बाद AV नोड तक वो मैसेज पास कर देगा। AV नोड तक पास करते करते वहाँ से अपने पास कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो सबसे पहले इनिशिएट किसने किया? इनिशिएट अपने पास किया SA नोड ने। अपने पास SA नोड ने क्या किया? पेस मेकर हम लोग के पास हो गए, उसी ने काम करवाया। दैट इज टर्म्ड एज द हर्ट ऑफ हर्ट, दिल का भी दिल।
ठीक है, अपने पास यहाँ पर क्या हो गया, हम लोगों के पास यहाँ पर क्या है यार, सभी लोगों को याद हो गया ना ये मेरा हर्ट है, हर्ट के अंदर ये एस ए नोड, ये ए वी नोड, यहाँ से सिग्नल आया, फिर यहाँ से जाके इधर आएगा, दोनों वेंट्रिकल के सेप्टम के बीच में एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा, तो अपने पास यहाँ पर क्या गया, एक उधर चला गया दूसरा उधर चला गया, तो हम लोग के पास इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं परकिंजे फाइबर्स। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, पेस मेकर, एस ए नोड ने ही पेस बनाकर रखा है, हर चीजें एस ए नोड ने ही बनाकर रखी है, पेस मेकर उसको कहा जाता है, हर्ट ऑफ हर्ट, दिल का भी दिल ऑटो एक्साइटेबल होता है, तो ब्रेन के अंदर कुछ दिक्कत हो जाए ना तब भी अपना दिल जो है वो धड़कता रहेगा कहीं ना कहीं। मेरा दिमाग, आधे लोग तब डायलॉग बनाना स्टार्ट करेंगे, मैं पागल भी हो जाऊंगा ना तब भी ये दिल धड़केगा, तुम्हारे लिए ही धड़केगा, क्या बताऊं तुम्हें सेनोरिटा। चलो स्टार्ट करें कार्डियक साइकिल, धड़काएं अब दिल को, धड़काना स्टार्ट करें। इतना याद हो गया सभी लोगों को, कुछ भी नहीं था, सारे सब कुछ रिवाइज करवा देती हूँ। ये है मेरा हर्ट, अमार हर्ट, अमार हर्ट के ऊपर होती हैं दो कवरिंग जिनको हम कहते हैं पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम के बीच में होता है इनके बीच में पेरिकार्डियल फ्लूइड, उसके अंदर होते हैं चैम्बर्स, कौन से चैम्बर्स, एट्रिया और वेंट्रिकल्स। एट्रिया अपने पास यहाँ पर क्या हो गए, दो के बीच, इन दोनों के बीच में इंटर एट्रियल सेप्टम, वेंट्रिकल्स के बीच में इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में एट्रियो वेंट्रिकुलर सिस्टम सेप्टम। ओके, अब क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों के बीच में एक वॉल यहाँ पर प्रेजेंट होगी, यहाँ कौन सी होती है, ट्राइकस्पिड, यहाँ कौन सी होती है, बाइकस्पिड, यहाँ पे क्या होती है हम लोग के पास, यहाँ होती हैं सेमी ल्यूनर, ठीक है जी। उसके बाद और क्या था, और था एस ए नोड, ए वी नोड, यहाँ पे अपने पास नोडल टिश्यू, और इधर जाकर क्या बन जाएंगे, परकिंजे फाइबर्स। कितनी बार धड़कता है ये, ऑटो एक्साइटेबल होता है 70 to 75 टाइम्स, ठीक है, 70 to 75 टाइम्स हम लोग के पास यहाँ पर हो गया, और एस ए नोड ही इसको रेगुलेट कर रहा है, एस ए नोड को पेस मेकर कहा जाता है, हर्ट ऑफ हर्ट कहा जाता है। दन दन कार्डियक साइकिल के ऊपर मैंने एक इतनी अच्छी वीडियो बनाई थी, आई मीन सीरियसली दैट वॉज सीरियसली वाओ। एक तो आज मैं आजकल इतना इंग्लिश, इतना हॉलीवुड देखने लग गई हूँ कि मेरी हालत ख़राब होती जा रही है। कार्डियक साइकिल, ओके, देखो अब कार्डियक साइकिल एक कहानी की तरह अपन याद करेंगे। मैंने बहुत अच्छी वीडियो डाली थी यार कार्डियक साइकिल के, मैंने डर पर सीरियसली वाओ, मतलब तुम एक बार उसको करके देखोगे तो तुम लोगों को मज़ा आ जाएगा। फिर भी कर लेते हैं, फिर से कर लेते हैं। इतना सभी लोगों को याद हुआ, सभी लोग जोश के साथ बता दो। आज इस चैप्टर को ऑलमोस्ट हम खत्म करने जा रहे हैं, लास्ट पोर्शन के ऊपर हम लोग पहुंच चुके हैं, अब हम लोग बिल्कुल लास्ट पोर्शन के ऊपर पहुंच चुके हैं। कार्डियक साइकिल मतलब बिल्कुल लास्ट, वन ऑफ द लास्ट टॉपिक्स में से होता है। इतना सभी लोगों को याद हो गया, चलो ओके देखते हैं। सबसे पहले हर्ट, सॉरी लंग्स के लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है, लंग्स के लिए वर्ड यूज किया जाता है पल्मनरी। तो जो अगर इसके पास आ रही है, दिस इज पल्मन शिट, इसके पास आ रही है उसको बोला जाता है पल्मनरी आर्टरी, और जो इससे दूर जा रही है उसको बोला जाता है वेन। एक्चुअली आर्टरी वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है, जो उसके पास आती है, आर्टरी आ रही, आर्टरी 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 का मतलब आ रही, ठीक है। तो अपने पास आर्टरी क्या हो गई, आ रही है, ओके। दूसरा अपने पास क्या है, दूसरा अपने पास यहाँ पर वेन है, वेन जाने वाली, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहेंगे पल्मनरी आर्टरी, जो कि कहाँ से निकलेगी, अपने राइट वेंट्रिकल से निकलेगी। ये क्या है हम लोग के पास, पल्मनरी वेन, पल्मनरी वेन अपने लेफ्ट एट्रिया के अंदर एंट्री मारेगी। नीचे है अपना लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ से क्या गई, यहाँ से गई ये मेरी एओर्टा, और यहाँ से मेरे पास यहाँ पे क्या आया मेरे पास, दिस इज माय वेना कैवा, ये हो गया मेरा ऐसे सिस्टम।
ऐसे सिस्टम अपने पास जा रहा होता है। सबसे पहले पल्मोनरी आर्टरी लिखना और पल्मोनरी वेन लिखना। तो पल्मोनरी आर्टरी लिखोगे तो यहाँ से लिखोगे, पल्मोनरी वेन लिखोगे तो यहाँ से। अब कहाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, कहाँ ऑक्सीजनेटेड है, तुम सबको पता है। लंग्स से आने के बाद सारा ब्लड कैसा होता है? ऑक्सीजनेटेड, 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 ऑक्सीजनेटेड। बॉडी से यूज हो गया ऑक्सीजनेटेड, अब अपने पास क्या होगा? डीऑक्सीजनेटेड, 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 डीऑक्सीजनेटेड। अब ये सारा ब्लड क्या हो गया? डीऑक्सीजनेटेड। लंग्स में से पास करेगा, लंग्स में से पास करके वापस से कैसा हो जाएगा? ऑक्सीजनेटेड। क्या ये पूरा सिस्टम समझ में आ गया? कैसे हम लोग का ब्लड पास होकर कैसे कैसे जा रहा है, कैसा कैसा जा रहा है, कैसे कैसे हो रहा है, सभी लोग को समझ में आ गया? ग्रेट यार, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब देखते जाना कार्डियक साइकिल। सबसे अच्छे से कार्डियक साइकिल तुम लोग को आज याद होने वाला है, बहुत अच्छे तरीके से कार्डियक साइकिल याद होगा। देखो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले तुम्हारे घर में मैं आऊँ, ठीक है? अगर तुम्हारे घर पे मैं आऊँगी तो उस टाइम पे तुम सब रिलैक्स्ड पड़े होते हो। तुम सब कैसे पड़े होते हो? रिलैक्स्ड, सब के सब रिलैक्स्ड पड़े होते हो। चलो ग्रेट, ऐसे ही अपना हर्ट बिल्कुल रिलैक्स्ड पड़ा होता है। ये क्या है हम लोगों का? ये हम लोगों का है हर्ट। इसके अंदर सब चीज़ें रिलैक्स्ड पड़ी हैं। सब चीज़ें रिलैक्स्ड पड़े होने का मतलब क्या होगा कि बाहर के दरवाजे, बाहर यही यहाँ होते हैं ना दो दरवाजे, और ये दो यहाँ होते हैं। ये मेरा हर्ट को मान लो एक मकान, हर्ट एक मकान है। चलो ग्रेट यार, हर्ट एक मकान है। अब क्या हुआ, बाहर के जब हम घर में पड़े होते हैं आजकल, तो वहाँ पे चाय कॉफ़ी देंगे, दो मारूंगी तुम्हें, पहले सुन लो यहाँ पे। अभी क्या है, अभी बाहर की सभी चीज़ें बिल्कुल गेट तुमने बंद कर रखे हैं, बाहर कोई मूवमेंट नहीं हो रही, ओके? तुम सब के सब जब बाहर के दरवाजे बंद होते हैं उस टाइम पे तुम मस्त पड़े हुए होते हो, मस्त हालत में। और अंदर के सारे गेट तुम्हारे, ऐसे थोड़ी ना होता है कि रूम के आपस में, कुछ लोगों के तो रूम के भी गेट बंद करके बैठते होंगे आधे लोग, तो मुझे पता है क्या क्या करते हो तुम लोग फ़ोन के अंदर इनकॉग्निटो चला के, तो फिर तो गेट बंद करने पड़ जाते हैं, फिर तो रिलैक्स स्टेट भी नहीं होगी। लेकिन अपने पास यहाँ पर क्या हो गया, अगर नॉर्मल कंडीशन है, आई एम टॉकिंग अबाउट नॉर्मल कंडीशन, आई एम टॉकिंग अबाउट नॉर्मल पीपल, ठीक है? तो उस केस के अंदर अपने पास क्या होगा, उस केस में अपने घर के दरवाजे आपस में खुले होते हैं और हम सब रिलैक्स स्टेट में होते हैं, ठीक है जी? तो अपने पास क्या हो गया, चार चैम्बर्स हैं, वो रिलैक्स्ड स्टेट में है। और रिलैक्स्ड स्टेट के लिए जो वर्ड मैं यूज करूंगी उसका नाम होगा डायस्टॉल। उसका नाम, उसका नाम क्या होगा, उसका नाम होगा डायस्टॉल और सिस्टॉल, ठीक है? सिस्टॉल जब रिलैक्स्ड नहीं होगा। तो चार चैम्बर्स अपने पास यहां पर हो गए, रिलैक्स्ड स्टेट अपने पास है, बिल्कुल रिलैक्स्ड स्टेट, जॉइंट डायस्टॉल है और बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड खुले हुए हैं। अब इसको डायग्राम में बताती हूँ। तुम लोगों का क्या है, घर में तुम पड़े हुए हो, तुम लोग के बाहर के दरवाजे, बाहर के दरवाजे का मतलब क्या हो गया, बाहर के दरवाजे का मतलब सेमी ल्यूनर। सेमी ल्यूनर तो अभी क्या है, बंद है, लेकिन तुम क्या पड़े हुए हो, सभी के सभी जॉइंट डायस्टॉल, पैर फैला के आराम से मस्त मस्त मूवी देख रहे हो, कुछ काम धाम तुमको करना नहीं है। गेट वेट तुम लोगों ने यहाँ पे खोल रखे हैं, ट्राइकस्पिड को और बाइकस्पिड को तुमने खोल रखा है, ये सबसे पहली चीज हो गई। पड़े हुए हो, कहानी मस्त समझ में आ रही है, मस्त मजा आ रहा है कहानी में, ओके? अब देखो क्या होगा, अब हम लोगों के पास लेफ्ट एट्रिया के अंदर आया, लेफ्ट एट्रिया से गया लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, इधर वेना केवा, वेना केवा राइट एट्रिया में आई, राइट एट्रिया से गई राइट वेंट्रिकल में। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। सेमी ल्यूनर क्लोज्ड पड़ी हुई थी, ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, सेमी ल्यूनर क्लोज्ड पड़ी है, सिर्फ अंदर के दरवाजे खुले हैं। ग्रेट, अब क्या होगा, अब लगेगा प्रेशर। अब क्या आया तुम लोगों के ऊपर, अब प्रेशर आया कि आंटी आ रही है बेटा, तैयार हो जाओ। तो अब क्या करना स्टार्ट करोगे तुम लोग, आंटी आ रही है तो तुम्हारे ऊपर प्रेशर आया, ये रहा तुम्हारे ऊपर प्रेशर डालने वाला तुम्हारा पेस मेकर, मतलब तुम्हारी मम्मी, एस ए नोट।
इसने क्या किया, अब वहाँ से एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया, मम्मी की तरफ से आया एक्शन, ले फटका दे फटका। तो एस ए नोड ने एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया, जिसकी वजह से मम्मी के पास अभी एट्रिया बैठे हुए हैं, मान लो एट्रिया तुम्हारी बहन है, वो बैठे हुए हैं, उसको दिया ले फटका दे फटका, ठीक है, ले फटका दे फटका दिया। तो अब ये क्या करेगी, यहाँ पे एकदम से सिस्टॉल कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी, सिस्टॉल कंडीशन इसके अंदर आ जाएगी। अब क्या होता है, जब डांट बहन को पड़ती है तो बहन सारा गुस्सा किसके ऊपर निकालती है, फिर निकालती है अपने छोटे भाई के ऊपर। तो भाई के ऊपर निकालती है, तो अब बहन क्या करेगी, नीचे तक पहुँचवाएगी। अब तुम लोग कौन हो, तुम लोग हो वेंट्रिकल, सबसे पहले ब्लड का फ्लो वेंट्रिकल्स में बढ़ जाएगा, मतलब तुम्हारी बहन की जो स्पीड है वो 30% खतरनाक बढ़ जाएगी, खतरनाक मस्त तरीके से आएगी अपने पास यहाँ पर। अब क्या हुआ, सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस किसने भेजी थी, एस ए नोड ने, एस ए नोड क्या थी, मम्मी थी, मम्मी के बाद अब इंस्ट्रक्शंस किसके हाथ में आ चुकी हैं, अब इंस्ट्रक्शंस आ चुके हैं बहन के हाथ में, अब एस ए नोड तक इंस्ट्रक्शंस पहुँच चुकी हैं। अब ऐसे नोड अपने पास क्या करेगा, ऐसे नोड से यहां इंस्ट्रक्शंस पहुंचेंगी, यहां से यहां इंस्ट्रक्शंस पहुंचेंगी, जैसे जैसे इंस्ट्रक्शंस नीचे पहुंचती जाएंगी, वेंट्रिकल तक पहुंच गई, तुम तक पहुंच गई, अब तुम भी क्या करोगे, तुम भी मस्त कॉन्ट्रैक्ट मारोगे। इतनी देर में बहन ने सारा काम तुमसे करवा लिया, बिस्किट लेके आने हैं तुम लेके आओगे, नमकीन लेके आनी है गेस्ट के लिए तुम लेके आओगे, ठीक है। और खुद अब मस्त क्या करेगी, बहन जो वेब सीरीज देख रही थी वापस से अपनी वेब सीरीज कैरी ऑन करेगी, एट्रिया वापस से रिलैक्स हो जाएंगे, एट्रिया वापस से क्या हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। यहाँ तक की कहानी मेरी जुबानी एक बार दोबारा सुनिए। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले तुम लोग मस्त पड़े हुए थे पैर फैला के अपने, जैसे अभी पड़े हुए हो गए इस लेक्चर को देखते टाइम, और तुमने बाहर के तुम्हारे गेट सब बंद थे, तुम लोग मस्त बैठे हुए थे, यहाँ पे तुम लोगों के सिर्फ अंदर वाले कमरों के दरवाजे खुले थे, ओके, सेमी ल्यूनर बंद थी, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड खुले हुए थे। सबसे पहले अब एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ मम्मा से, मम्मा ने एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया, पट हेडशॉट कहाँ पर आया, बहन के ऊपर आया, बहन के ऊपर आया, तो एट्रिया है हमारी बहन, इसने क्या किया, ज़रा सा इसके ऊपर थोड़ी सी जूं रहेंगी इसके कानों में, 30% की स्पीड से इसने काम को बढ़ाया और तुम्हारे ऊपर सारा प्रेशर भिजवाना स्टार्ट किया, एवी नोड से, एवी नोड से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, अब प्रेशर कहाँ आ चुका है, तुम्हारे ऊपर आ चुका है, और अब तुमने क्या किया, अब तुम लोगों ने किया सिस्टॉल, और इतने में बहन क्या हो गई, बहन हो गई रिलैक्स डायस्टॉल। कहानी अच्छी है, यहां तक की कहानी अच्छी है। चलो अब तुम किस कंडीशन में हो, तुम सिस्टॉल वाली कंडीशन में हो। अब तुम्हें क्या आया, तुम्हें आता है गुस्सा, तुमने कहा इस बहन ने मेरा दिमाग खराब करके रखा है, दिमाग खराब करके रखा है, तो तुम क्या करोगे, तुम कहोगे यार तू करने देना काम, दिमाग खराब करके रखती है, तो अपने पास बहन, ये एट्रिया है, ये एट्रिया है तुम्हारी बहन है, तुम क्या करोगे, इन दरवाजों को बंद करोगे, बिस्किट लेने तुम्हें बाहर जाना है, पहले तो उस दरवाजे को बंद करोगे, अब मत आइयो मेरे कमरे में, बंद कर दिया, ठीक है, और उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद तुम लोग अब बिस्किट लेने बाहर जाओगे, सेमी ल्यूनर तुम्हें खुलवानी पड़ेगी, तुम क्या करोगे, यहाँ पे बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड को बंद करोगे, तुम्हारे ऊपर प्रेशर बढ़ गया है, सेमी ल्यूनर को खोल के जाओगे, और जब तुम बाहर जाके बिस्किट ले आओगे, अब तुम्हारे ऊपर भी प्रेशर क्या हो जाएगा, तुम्हारे ऊपर भी प्रेशर कम हो जाएगा, तुम्हारे ऊपर भी प्रेशर कम हो जाएगा, तुम वापस आ जाओगे, वापस से तुमने सब काम कर दिए, ठीक है, सारे काम कर दिए, सेमी ल्यूनर को बंद कर दिया, अब अपने पास क्या होगा, गेस्ट वेस्ट का सब काम हो गया, अब वापस से वही रिलैक्स्ड कंडीशन आ जाएगी, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वापस खुल जाएंगी हम लोगों के पास, और अब क्या होगा, अब क्या होगा हम लोगों के पास, सब वापस से डायस्टॉल के अंदर आ जाएंगे, फिर से क्या होगा, फिर से कोई गेस्ट आएगा, एस ए नोड फिर से इंस्ट्रक्शंस देगा, एस ए नोड इंस्ट्रक्शंस देने के बाद क्या होगा, फिर बहन तक एट्रिया क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी, इंस्ट्रक्शंस कहाँ तक पहुँचेंगी, बहन तक पहुँचेंगी, बहन तक पहुँचने के बाद एवी नोड से नीचे तुम्हारे पास आएंगी, बिस्किट तुमसे मंगवाए जाएंगे, ठीक है, तुम क्या करोगे, पहले तो बहन के कमरे के दरवाजे बंद करके जाओगे, और फिर तुम बाहर घूमने जाओगे, बाहर घूम के आओगे, वापस आके गेट बंद करोगे, उसके बाद वापस से रिलैक्स स्टेट के अंदर पड़ जाओगे। यही अपने पास होता है, यही चीज बार बार रिपीट होती है, ये था जिंदगी का साइकिल और ये था अपना कार्डियक साइकिल, दैट्स इट, एंड द
एंड आज तक जिंदगी में 50 बार कार्डियक साइकिल याद करने की कोशिश की होगी, हो गया कार्डियक साइकिल याद। ये था कार्डियक साइकिल। मौजा आया कि नहीं आया? श्रद्धा कह रही है समझ नहीं आया फैमिली कंडीशन। फिर बहन तेरी फैमिली नहीं है, नॉर्मल फैमिली ऐसी होती है। नॉर्मल फैमिली में सबसे पहले माँ को गुस्सा आता है, माँ गुस्सा करके बहन को बोलती है जा कुछ अरेंजमेंट कर, फिर बहन क्या करती है सारा काम भाई पे सौंप देती है, भाई को मिलता है सारा काम, वो बेचारा बाहर जाता है सारा सामान लेके आता है, वापस आता है, तब जाके कंडीशन नॉर्मल होती है। ये सिर्फ सौंप के काम और मस्त नॉर्मल हो चुकी होती है। डन, सभी लोगों को कार्डियक साइकिल की कहानी याद हो गई? चलो ओके ग्रेट। तो कार्डियक साइकिल कितनी बार होता है अपने पास? एक मिनट में 72 टाइम्स। तो अपने पास 60 डिवाइडेड बाय 7 अगर अपने पास यहाँ पे एक मिनट में कितनी बार हो रहा है, 72 बार, 72 बार कितनी देर में हुआ, 60 सेकंड में। तो एक साइकिल कितनी देर में हो रहा होगा, 0.8 सेकंड में। ये जितना भी हेड शॉट आए, जूते आए, मुक्के आए, थप्पड़ आए, ये सभी के सभी 0.8 सेकंड में आ गए, 0.8 सेकंड के अंदर आ गए। डन। स्ट्रोक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब स्ट्रोक, झट ले चौका दे चौका। तो स्ट्रोक वॉल्यूम अपने पास यहाँ पर क्या होता है, कार्डियक साइकिल के टाइम पे वेंट्रिकल ने कितना ब्लड पंप किया उसको कहेंगे स्ट्रोक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम स्ट्रोक हो गया, ठीक है। कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट का मतलब कितना आउटपुट अपने पास हुआ। तो आउटपुट का मतलब एक बार में कितना निकल रहा है, एक बार में निकल रहा है हम लोग के पास 70 ml। टोटल कितनी बार होता है, अप्रॉक्सीमेटली 72 टाइम्स। तो 5000 के आसपास हम लोगों का कार्डियक वॉल्यूम है। क्या है हम लोग के पास, कार्डियक वॉल्यूम, ठीक है जी, ओके फाइन। तो कार्डियक साइकिल अपने पास क्या होता है, 72 टाइम्स। एक साइकिल कितनी देर में हो जाता है, 0.8 सेकंड में। स्ट्रोक वॉल्यूम, स्ट्रोक अपने पास क्या हो गया, 70 ml। दूसरा अपने पास है कार्डियक आउटपुट, ओके नेक्स्ट, कार्डियक आउटपुट अपने पास हो गया। और दो साउंड्स अपने पास आती हैं, वन इज लब, अनदर वन इज डब। लब डब, दो साउंड्स अपने पास आती हैं, दो प्रोमिनेंट साउंड्स हम लोग को सुनने को मिलती हैं। तुम लोगों को अगर मैं सुना सकती तो मैं ज़रूर सुनाती हूँ। सुनाऊँ, आई डोंट नो वेयर इज माई स्टेथोस्कोप, अलमीरा में होगा, एक सेकेंड। एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है तुम लोगों को सुनाई देगा कि नहीं देगा, लेकिन शायद कुछ ना कुछ सुनाई दे सकता है। मतलब सॉरी, मुझे तो सुन रहा है, पता नहीं तुम्हें सुनेगा कि नहीं सुनेगा। सुन रहा है क्या कुछ, इसके स्पीकर किधर होते हैं? नहीं सुन रहा होगा यार, नहीं सुन रहा होगा, ठीक है। बेसिकली दिस इज चेस्ट पीस, ठीक है, नहीं सुनेगा तुम लोगों को, नहीं सुनेगा मुझे नहीं लगता, नहीं सुन रहा। मेरे तो कान फटने वाले हैं हाथ मारने के बाद। इस पे अगर गलती से हाथ मार दूंगे ना, हाथ मारने के बाद तो कान फटने को हो जाएंगे, हाथ मारने के बाद तो बिल्कुल। सुन रहा है? वो हार्ट नहीं सुन रहा तुम्हें, आधे लोग तो खुश हो गए, ओ माय गॉड मैंने आज ही लब डब साउंड सुना, वो मैं हाथ मार रही हूँ, वो सुन रहा है, हार्ट की नहीं सुनेगी,
हर्ट की नहीं सुनने वाले, हर्ट के तो सिर्फ लगाने के बाद ही सुन सकते हो, या फिर बहुत बड़ा माइक होता तो सुन सकते थे, ठीक है? चलो ओके, तो जब अपनी ट्राइकस्पिड बंद होती है उस टाइम पे, जब तुमने गेट मारे थे ना अपनी बहन के मुंह पे, उस साउंड को कहा था हमने डब, और जब तुम लोग बाहर से गेट बंद करके आए थे उस साउंड को हमने कहा था डब, लब डब, लब डब, लब डब, ये दो साउंड हम लोग के पास होती हैं। और स्टेथोस्कोप हम लोग के पास क्या करता है, दिस इज अवर स्टेथोस्कोप, ये हमारा होता है स्टेथोस्कोप, ठीक है? तो इसको हम लोग क्या करते हैं, क्लिनिकल डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस इसकी होती है, क्लिनिकल पर्पसेस के लिए इसको हम लोग यूज करते हैं। चलो ओके, तो अब अपने पास क्या होता है, एक होता है ईसीजी। ईसीजी का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, देखा है तुमने मूवीज में, पी 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 पी, देखी है वो चीज, पी 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 पी, जब पी आ जाता है तो मतलब कार्डियक अरेस्ट, खत्म हो गया कार्डियक अरेस्ट, डन ओके। तो अब इसके लिए जो बनता है अपने पास, वो बनता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हर्ट, हर्ट के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है उसको हम लोग दिखाते हैं ऐसे, पी 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 हो जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या किया जाता है यार, मूवीज में आपने देखा होगा, क्या देखा होगा, हम लोग के पास यहाँ पे दोनों रिस्ट के ऊपर, दोनों रिस्ट पे ऐसे गोला सा करके वो लगा दी जाती है, और एक लेफ्ट एंकल पे, या फिर कई बार क्या होता है, कई बार पूरी चेस्ट पे लगाई हुई होती है, वो बहुत ज़्यादा हाईली जब हमें ऑब्जर्व करना हो ना, डिटेल्ड इवेल्युएशन अपने को करनी हो, उस टाइम पे अपने पास क्या होता है, पूरे चेस्ट रीजन पे लगा देते हैं, अदरवाइज तो अपने पास क्या होता है, अपने पास दोनों हाथों में और लेफ्ट एंकल में लगाई जाती है वो लीड्स। मूवीज बहुत कुछ सिखाती हैं, देखा करो, ठीक है? तो अपने पास पी क्यू आर एस, पी क्या होता है, सबसे पहले एट्रिया का जो एक्साइटेशन हुआ था, डीपोलराइजेशन हुआ था, कॉन्ट्रैक्शन हुआ था एट्रिया, उसको हम कहते हैं पी वेव। उसके बाद दूसरा अपने पास क्या है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, पी क्यू आर एस, क्यू आर एक्स के अंदर वेंट्रिकल्स का डीपोलराइजेशन, जो तुम्हारा डीपोलराइजेशन हुआ था, सबसे पहले बहन का पोलराइजेशन हुआ था तो उसकी उसकी घंटी बजाई थी मम्मी ने पी, वो तो बहुत पी करती है, तुम आराम से शांत लोग हो, क्यू आर एस लोग, तो तुम लोग के पास क्या हो गया, वेंट्रिकल्स के अंदर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन जो हुई वो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है, ठीक है? और उसके बाद आता है अपने पास टी, टी के अंदर क्या हो गया, वेंट्रिकल्स वापस नॉर्मल स्टेट में आ गए, रीपोलराइजेशन, दैट इज टी। बहन तो बहुत पी पी करती है, बहुत पी पी करती है, तो जब बहन का हुआ था हम लोग के पास तो उसने क्या किया था, पी, तुम लोग क्या हो, क्यू आर एस हो, शांत लोग हो, और फिर टी, डन, ये हो गया हम लोग के पास टी। जब टी अपना खत्म हुआ उस टाइम पे सिस्टॉल भी हम लोग के पास खत्म हो गया, तो क्यू आर एक्स देख के हम लोग बता सकते हैं हार्ट बीट इंडिविजुअल की कितनी है। एंड जब आप लोग MBBS फर्स्ट ईयर में आ जाओगे तो फिजियोलॉजी के अंदर दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ योर मोस्ट टफेस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक, वाइवा में भी पूछा जाएगा, आप लोगों को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम दिखा दिया जाएगा, ठीक है, दिखा दिया जाएगा आपको, और पूछा जाएगा कि कितनी इसकी हार्ट बीट है, वहाँ पर आपकी कॉम्प्लिकेशंस भी आपको बताई जाएंगे, ठीक है, सारी चीज़ें बताई जाएंगी हम लोग के पास। इसका बहुत ज़्यादा ग्रेट क्लिनिकल सिग्निफिकेंस होता है, बहुत ग्रेट क्लिनिकल सिग्निफिकेंस होता है। तो ये हम लोग का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हो गया, दिस इज आर पी, दिस इज आर क्यू आर एस, दिस इज टी। तुम लोग बहुत अच्छे तरीके से याद रख सकते हो, ये अपने पास क्या हो गया, एट्रियल डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकल रीपोलराइजेशन, वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकल रीपोलराइजेशन, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन अपने पास हो गया, दिस इज डीपोलराइजेशन पी, और अपने पास फाइनली रीपोलराइजेशन, दिस इज डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, डन। ग्रेट, तो डबल सर्कुलेशन अपने पास होता है ब्लड के अंदर, आर्टरीज होती हैं हम लोग के पास, वेन्स होती हैं, और उनके ऊपर क्या होता है, उनके ऊपर हम लोगों की ब्लड वेसल्स जो होंगी, आर्टरीज होंगी, वेन्स होंगी, उनके ऊपर भी तो लेयर्स होंगी ना, तीन लेयर्स होती हैं, एक क्या होगी बाहर वाली एक्सटर्ना, एक बीच में मीडिया, और अंदर वाली इंटिमा, नाम से ही पता चल रहा है बिल्कुल, बाहर वाली एक्सटर्ना, बीच वाली मीडिया, अंदर वाली
इंटिमा। तो एक्सटर्ना अपने पास है तो एक्सटर्नल लेयर ऑफ फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू। मीडिया क्या हो गई? बीच में। तो स्मूथ मसल और इलेक्ट्रिक फाइबर्स अपने इलास्टिक फाइबर्स हैं, बीच में अपने पास हो गया। इंटिमा मतलब इनर लाइनिंग ऑफ स्क्वैमस एपिथीलियम, स्क्वैमस एपिथीलियम की इनर लाइनिंग। और ये वेन्स में पतली होती है, आर्टरीज में कंपैरेटिवली मोटी होती है। तो नाम से ही पता चल रहा है अपने को, एक्सटर्ना मीडिया, इंटीमा, इंटीमा अंदर इंटरनल लाइनिंग, एक्सटर्नल लाइनिंग बाहर अपने पास क्या होगा, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। और ट्यूनिका मीडिया क्या होगा, मीडिया अपने पास बीच में, मीडिया अपने पास बीच में, ठीक है जी, ग्रेट। तो अपना कैसे कैसे सिस्टम में पास कर रहा होता है, देखो अब तुम सबको पता है, ये सब मैं बता चुकी हूँ। सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पर गया था, राइट वेंट्रिकल। ये ऐसे ही था ना, डायग्राम बना लेते हैं। इसका मैं वैसे बता चुकी हूँ। सबसे पहले ये आया मेरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल से। राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, लंग्स के अंदर जाएगा। चलो साथ साथ करते जाते हैं। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी, दिस इज पल्मोनरी आर्टरी, कहाँ पहुँचे, लंग्स में। लंग्स में वो ब्लड क्या हो गया, ऑक्सीजनेटेड अपने पास हो गया। अब वो किसके अंदर जाएगा, पल्मोनरी वेन में। पल्मोनरी वेन से कहाँ जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में। क्या ये पूरा का पूरा सर्कुलेशन लंग्स के पास में हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक लंग्स के लिए हुआ ये वाला सर्कुलेशन, इसीलिए इस सर्कुलेशन को बोला जाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। और जो नीचे वाला सर्कुलेशन अपने पास होगा, यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर बॉडी पार्ट से यहाँ पे, ये सारा का सारा सर्कुलेशन बॉडी पार्ट में हुआ, तो इस सर्कुलेशन को बोला जाएगा सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो दो पोर्शन अपने पास हैं, कौन कौन से दो पोर्शन, ये वाला पोर्शन जो ऊपर लंग्स को कॉन्स्टिट्यूट करेगा, दैट इज पल्मोनरी सर्कुलेशन। दूसरा पोर्शन अपने पास जो इधर बॉडी पार्ट्स वाले पोर्शन में जा रहा होगा, वहां पर पहुंचवा रहा होगा, वो हो गया सिस्टमिक सर्कुलेशन। एक सिस्टम वाला, एक पल्मोनरी वाला, इजी है ना, बिल्कुल। ये तो सब बकवास है। और सिस्टम में जाके वो करता क्या है, सिस्टम में जाके न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रोवाइड करता है, सारा O2 दे के आता है, न्यूट्रिएंट्स दे के आता है, और हार्मफुल सब्सटेंसेस को वहां से उठा के लाता है, CO2 वगैरह को, सारी चीज़ों को वहाँ से उठा के लाता है। हो गया याद। तो अपने पास यहाँ पे क्या है, देखो ये हम लोग का क्या है, दिस इज आर हर्ट, दीज आर आर लंग्स, दीज आर आर बॉडी पार्ट्स। ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक, ये वाला लंग्स के लिए, तो पल्मोनरी सर्कुलेशन। ये वाला पोर्शन अपने पास क्या हो गया, ये वाला पोर्शन बॉडी के लिए, तो इसका क्या कहेंगे, इसको कहेंगे सिस्टमिक सर्कुलेशन। दैट्स इट। ठीक है। एक और सिस्टम होता है हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। क्या होता है यार अपने पास यहाँ पे, लिवर तक, बीच में लिवर घुसता है बिना बात लिवर अपने पास घुसता है। तो यूनिक वेस्क्यूलर कनेक्शन बिटवीन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड लिवर, नाम से ही पता चल रहा है हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। बीच में एक पोर्ट अपने बना दिया, बीच में क्या बना दिया, एक पोर्ट होता है ना, बंदरगाह मतलब जहाँ पे बीच में हम रेस्ट करते हैं थोड़ा सा, तो वहाँ एक बीच में पोर्ट बना दिया, उस पर हम रेस्ट करने जाएंगे, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। इंटेस्टाइन से सीधा और कहीं जाने की बजाय पहले हम लिवर में पहुँचवा देते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन का ही, फिर आगे सिस्टमिक में एंटर कर जाएगा। बीच में बिना बात लिवर को टांग अड़ाने की जरूरत है, और अपना बिना बात का भाव उसने ले लिया, उसने क्या बोलिया, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। दैट्स इट। ठीक है। तो एक स्पेशल कोरोनरी सिस्टम यहाँ पे अपने पास प्रेजेंट होता है इन आवर बॉडी एक्सक्लूसिवली ऑफ ब्लड टू एंड फ्रो फ्रॉम द कार्डियक मस्क्यूलेचर। अब खुद दिल को भी तो चाहिए ना, दिल को भी तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए, तो उसके लिए भी होंगी ऑफकोर्स। अब तुम खुद बात बताओ, यहाँ पे क्या ये जो दिल अपना है ये ऐसे ही काम करता रहेगा, इसको खुद को भी तो सप्लाई चाहिए ना, यहाँ पे इसकी खुद की वॉल्स वगैरह को, उनको भी तो सप्लाई चाहिए, तो उन पे भी सप्लाई होती है। इंडीड, बिल्कुल होती है। तो ये क्या हो गया हम लोग के पास, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम धक्के का सिस्टम है, बिना बात धक्का कर रखा है हमारे साथ जिंदगी में। तो ये अपने पास क्या हो गया यार, दिस इज राइट लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रिया राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी वेन आई, डोर्सल एओर्टा, वेना केवा, पल्मोनरी आर्टरी। तो ये वाला सिस्टम जो है, दिस इज आर, ये ऊपर वाला सिस्टम कौन सा सिस्टम है, ये है हम लोगों के पास,
ये कौन सा है? फटाफट से, पल्मनरी सर्कुलेशन। ये वाला कौन सा है? सिस्टमिक सर्कुलेशन। ऊपर पीसी, नीचे एससी। अब फाइनली अपन बात करते हैं, बस दो पेजेस बचे हैं यार, दैट्स इट। इनको एनसीईआरटी से ही करवा देती हूँ। चैप्टर हम लोग का ख़त्म हो गया, ये वाला भी वन ऑफ द बिगेस्ट चैप्टर्स में से इसको भी माना जाता है। कार्डियक एक्टिविटी की रेगुलेशन हम लोग कैसे करते हैं? तो जो हर्ट की नॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं वो ऑटो रेगुलेटेड होती हैं, ज़्यादा उनको बाहर से रेगुलेट नहीं किया जाता। ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, SA नोड अपने पास, वहाँ से ही चीज़ें रेगुलेट हो रही होती हैं। तो ज़्यादा नोडल टिश्यूज इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए हर्ट कैसे होता है? मायोजेनिक। मायोजेनिक का मतलब मैं खुद जनरेट करवाऊँगा, मायोजेनिक, मैंने जनरेट करवाया है हर चीज़, ठीक है। तो अपने पास क्या होता है, हर्ट की जो नॉर्मल एक्टिविटी होती हैं वो इंट्रिंसिकली रेगुलेटेड होती हैं, ऑटो रेगुलेटेड होती हैं, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? मायोजेनिक। ठीक है, ठीक है, ओके, ग्रेट। खुद से रेगुलेट वो करता ही है, एसए नोड, एवी नोड, ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, लेकिन साथ में थोड़ा बहुत ब्रेन भी कर रहा होता है, मेड्यूला। ऑफकोर्स तुम्हें पता ही है, मैंने तुम्हें बोला ही है, इस चैप्टर में ब्रेन जहाँ पर भी आए वहाँ समझ जाना मेडुला की बात आएगी। तो मेडुला कैन मॉडरेट द कार्डियक फंक्शन थ्रू ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम अपने पास यहाँ पर क्या करेगा? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर क्या होता है? सिंपैथेटिक सिस्टम। वो क्या करेगा? हर्ट बीट को बढ़वा देगा। हर्ट बीट बढ़वा देगा अपने पास, तो कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा। एक होता है पैरासिंपैथेटिक सिस्टम, वो हर्ट बीट को घटा देगा। तो अपने पास यहां पर क्या हो जाएगा? कार्डियक आउटपुट घट जाएगा, कार्डियक आउटपुट घट जाएगा। और कुछ एड्रीनल मेडुलरी हॉर्मोन्स भी होते हैं, वो भी कार्डियक आउटपुट को बढ़वा देते हैं। तो अपने पास क्या हो गई? तीन चीजें। देखो, देखते जाओ। सबसे नंबर वन, हर्ट इज मायोजेनिक। मायोजेनिक था, SA नोड थे, AV नोड थे, तो ये क्या कर रहे थे? खुद से रेगुलेट कर रहे थे। दूसरा क्या होता है, हर जगह पर एक ही पोर्शन ब्रेन का आएगा, एंड दैट इज मेडुला। हर जगह पर मेडुला, मेडुला, मेडुला। तो मेडुला अपने पास यहाँ पर हो गया, वो क्या करेगा? उसका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जो कि दो तरीके का होता है, सिंपैथेटिक, एसिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक क्या करेगा? बढ़वा देगा, सिंपैथी दिखाएगा, बढ़वा देगा। सिंपैथेटिक सिंपैथी दिखाएगा, बढ़वा देगा। दूसरा हो गया एसिंपैथेटिक, वो सिंपैथी नहीं दिखाएगा, वो क्या करेगा? घटवा देगा। और तीसरा पोर्शन क्या हो गया? एड्रीनल हॉर्मोन्स कुछ रेगुलेट करते हैं। क्या सभी लोगों को, क्या सभी लोगों को पूरा का पूरा, ये क्या हो गया यार, व्हाट इज हैपनिंग? ओके, ओके, फाइन, बैक। सो क्या कार्डियक एक्टिविटी सभी लोगों को समझ में आ गई? दैट्स इट, that's all about the regulation of the cardiac activity. Done. कार्डियक आउटपुट को बढ़वा देगा, सादिया नाज। तो इस पेज को पढ़ा नहीं क्या आपने? एक पेज पढ़ाते टाइम बेचारे आधे लोग सो जाते हैं, फिर क्या होता है, फिर जरा सा मैं चीख देती हूँ मायोजेनिक, उसके बाद आधे लोग फिर हाँ हाँ क्या था क्या था क्या था क्या था, क्या बढ़वा देगा, क्या कहा तूने, बहुत सही, बहुत सही। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज द डिसऑर्डर्स। डिसऑर्डर्स अपने पास क्या होते हैं यार? वन इज हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर का मतलब टेंशन हो गई जिंदगी में, हाइपर टेंशन। तो क्या होता है अपने पास? नॉर्मल कितना होता है हमारा? नॉर्मल होता है 120 से 80 के बीच में। किसके बीच में? 120 से 80 के बीच में। 120 इज द सिस्टोलिक एंड 80 इज द डायस्टोलिक, फाइन। मैक्सिमम कितना? सिस्टोलिक, सिस्टॉल मतलब जब अपने पास प्रेस हुआ था उसको सिस्टॉल कहते हैं, और जब रिलैक्स हुए थे उसको डायस्टॉल। तो अपने पास जब यहाँ पे मैक्सिमम था वो सिस्टॉलिक, जब कम था दैट इज डायस्टॉलिक, ओके। तो अपने पास यहाँ पे हाइपरटेंशन हम लोग के पास यहाँ पे हो गई, तो उस केस के अंदर अपने पास यहाँ पर क्या होता है यार, ये सब बढ़ गया, 120 बढ़ के 140 हो गया, अपने पास 80 बढ़ के 90 हो गया। तो इसको क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन। अब सुनो मेरी बात, जिसको हाई बीपी कहते हो, हाइपरटेंशन का मतलब हो गया हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर कंपैरेटिवली ये क्या करता है? जैसे ब्रेन को डैमेज कर देगा, कभी किडनी को डैमेज कर देगा, इनमें इसमें फिर भी कंपैरेटिवली कम दिक्कत होती है। लेकिन अगर तुम लोग को लो बीपी हो गया ना, बीपी लो हो गया, वो क्या करता है? वो एकदम से पूरी बॉडी को सीज कर देता है, इसीलिए लो बीपी खतरनाक होता है कंपैरेटिवली। तो हाई बीपी चलता है, लो बीपी ज़्यादा खतरनाक होता है। जिन लोगों के अंदर बीपी लो रहता है ना, उसमें ज़्यादा खतरनाक होता है, हाई बीपी फिर भी चल जाता है, ठीक है, ओके।
नेक्स्ट अपने पास क्या है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। नाम से ही पता चल रहा है, नाम से ही पता चल रहा है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। इसका मतलब अपने पास यहाँ पे क्या हो गई, वेसल्स जो हर्ट को, कोरोनरी मतलब हर्ट की आर्टरी, वो अफेक्ट हुई होगी। आर्थीरोस्क्लेरोसिस यहाँ पे अपने पास हुआ है, ये क्या हो गया, उस डिपोजिशन हो गया होगा अपनी, ये बंद हो गई, ये बंद हो गई, कैल्शियम जमा हो गया, फैट, कोलेस्ट्रॉल, इनमें से कोई भी चीज़, फाइब्रस टिश्यूज, वो वहाँ पर जाकर जमा हो गई होंगी। ल्यूमेन को उसने क्या बना दिया होगा, कम बना दिया होगा, वो अफेक्ट हो गई, कोरोनरी आर्टरी के अंदर डिजीज हो गई। आधे लोग कर रहे हैं ओ माई गॉड कोरोना, ओ माई गॉड कोरोना, कोरोनरी आर्टरी है बाबा, कोरोना नहीं है। जब आप लोग MBBS सेकेंड ईयर के अंदर आओगे तो कोरोना एक स्पेशल टॉपिक हुआ करता था MBBS सेकेंड ईयर के सिलेबस में, जिसको कभी नहीं पढ़ाया जाता था। ये बोला जाता था कि दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल, दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल, और आज दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, सब लोग पढ़ रहे हैं आज इसको। नेक्स्ट है एंजाइना। एंजाइना का मतलब दर्द होता है, दिल में दर्द होता है। एंजाइना, एंजल प्रिया, एंजाइना से एंजल, एंजाइना से एंजल, एंजल प्रिया मत जाओ, दिल से बुरा लगता है एंजल प्रिया। एक्यूट चेस्ट पेन होता है एंजल प्रिया, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है एंजल प्रिया, ऐसा मत करो मेरे साथ, मत करो एंजल प्रिया। तो मैन में भी हो सकता है, वुमेन में भी हो सकता है, एंजल ज़रूरी है एंजल प्रिया ही हो, एंजल प्रिया भी तो हो सकता है। तो अपने पास यहाँ पर क्या होता है, ब्लड फ्लो को ये अफेक्ट करती है, ब्लड फ्लो को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है, ऑक्सीजन प्रॉपर हम लोग के पास नहीं पहुँच पाती। तो हाइपरटेंशन, सभी लोगों को BP हाई हो गया, कितना था 120 से 80 के बीच में, कितना हो गया 140 से 90 के बीच में। नेक्स्ट अपने पास क्या है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कोरोनरी आर्टरी हर्ट तक जो पहुँचवा रही थी, आर्थीरोस्क्लेरोसिस उसके अंदर दिक्कत आ गई, मतलब वो ब्लॉक हो गई होगी। कैसे ब्लॉक होगी, कैल्शियम से, फैट से, कोलेस्ट्रॉल से, फाइब्रस टिश्यू से। नेक्स्ट अपने पास है एंजाइना, एंजली, हे एंजेलिना जॉली मत जाओ, एंजाइना पेक्टोरिस, ओके। लास्ट है हर्ट फेलियर, द एंड, हर्ट अपने पास यहाँ पर क्या हो गया, हर्ट अपना। विजय बोल रहा है एंजल प्रिया लड़का है, विजय बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत एंजल प्रिया के साथ। आधे लोगों को तो रोना आ गया, A2 मोटिवेशन को रोना आ गया, दीदी क्या बताऊँ एंजल प्रिया के साथ क्या हुआ था, सारी कहानी हो गई थी, मिलने का प्लान भी बन गया था, लड़का निकला दीदी, ओके। तो हर्ट फेलियर मींस द अपने पास क्या हो गया, हर्ट जो है वो पंप नहीं करेगा। तो अपने पास कई बार क्या होता है, सीवियर भी हो सकता है। कंजेशन ऑफ द लंग्स इज़ वन ऑफ द मेन सिम्टम ऑफ दिस डिजीज़, हर्ट फेलियर अपने पास यहाँ पे अरेस्ट। तुम लोग के इसमें बहुत लोग को कन्फ्यूजन होती है, हर्ट फेलियर क्या था, कार्डियक अरेस्ट क्या था, तुम खुद सोच के देखो। हर्ट फेल, तुम लोग जब फेल होते हो, साल भर पढ़ाई नहीं करते हो इसीलिए फेल होते हो ना, इसीलिए फेल होते हो ना तुम लोग, तो इसीलिए हर्ट जो है वो भी साल भर उसने पढ़ाई नहीं की इसीलिए वो फेल हुआ। और कार्डियक अरेस्ट, अरेस्ट तो एकदम हो सकते हो, कांड तुम्हारा दोस्त कर क्या है, एकदम पुलिस आके तुम्हें अरेस्ट करिए एकदम से, टाटा बाय बाय खत्म, दिल ये धोखाधड़ी कर देगा सोचा न था, ठीक है, दिल ने धोखाधड़ी कर दी यार। एक हुआ कार्डियक फेलियर, सॉरी एक हुआ हर्ट फेलियर, दूसरा हुआ कार्डियक अरेस्ट, हर्ट अटैक, हर्ट अटैक। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, मेक श्योर टू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, सभी लोगों को शेयर कर दो यार, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सेशन को ज्वाइन कर सकें। टेलीग्राम से ज़रूर ज्वाइन करना, दिस इज़ द टेलीग्राम चैनल नेम बाय रक्षिता सिंह, मेक श्योर टू ज्वाइन दिस, ओके, थैंक यू सो मच, कीप वॉकिंग, कीप हसलिंग। और जाते टाइम तुम लोग को पता है यार, बस एक काम करके जाना होता है, दिल छोड़ के चले जाना, दिल खुश हो जाता है यार, सिर्फ वो दिल छोड़ के चले जाना। ज़्यादा कुछ मैं नहीं मांगती, लेकिन यार बहुत स्पैमिंग होती है कमेंट्स के अंदर, दैट्स व्हाई आई जस्ट वांट वन थिंग फ्रॉम यू ऑल, एंड दैट इज़ प्लीज़ जाते टाइम कमेंट सेक्शन के अंदर, यहाँ पर नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर एक कमेंट प्लीज़ छोड़ कर जाएँ। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, कीप वॉकिंग, कीप हसलिंग, जय हिंद।